मैं बीएल चौधरी, सीनियर बोटनी फैकल्टी सीएलसी सीकर। आज हम सीएलसी की बायोकेम डीटीएस थर्ड के 180 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, रूट इन सम प्लांट चेंज देयर सैप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। हियर एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन, यहाँ एब्जॉर्प्शन कंडक्शन रूट का प्राइमरी फंक्शन है, इसके अलावा रूट स्टोरेज और रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई होती है, तो वन ऑप्शन इज करेक्ट। टैप रूट सिस्टम ऑफ कैरेट, टर्निप, रेडिस एंड स्वीट पोटेटो, हियर स्वीट पोटेटो इज एडवेंटेज रूट, सो दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। प्रॉप रूट ऑफ बनियान, स्प्लिट रूट ऑफ मेज एंड सुगर कैन, फेसिकुलेटेड रूट ऑफ एस्परगस आर मॉडिफाइड ऑफ एडवेंटेज रूट फॉर द पर्पज ऑफ क्लाइंबिंग, हियर स्प्लिट रूट ऑफ मेज एंड सुगर कैन फॉर सपोर्ट एंड फेसिकुलेटेड रूट ऑफ एस्परगस फॉर फोटोसिन फॉर स्टोरेज, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। न्यूमेटोफोर आर ऑलवेज मॉडिफाइड फ्रॉम एडवेंटियस, न्यूमेटोफोर आर मॉडिफाइड फ्रॉम टैप रूट ऑल्सो, सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो रॉन्ग, सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, हियर टैप रूट सिस्टम इन एस्परगस, सो एस्परगस हैव मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट फॉर फूड स्टोरेज, सो दिस पेयर इज इनकरेक्ट। फाइब्रस रूट सिस्टम वीट करेक्ट, फेसिकुलेटेड रूट डहेलिया करेक्ट, स्प्लिट रूट इन सोरगम करेक्ट, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। नेक्स्ट, एन एल्कलॉइड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्म ऑफ ए प्लांट विच इज कॉमनली यूज टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी, दिस एल्कलॉइड इज ऑल्सो नोन एज माइटोटिक पॉइजन, आइडेंटिफाई द प्लांट एंड इट्स फैमिली। तो कोल्चिकम ऑल्टुमेल एक प्लांट है जिससे कोल्चिसिन एल्कलॉइड प्राप्त होता है, और कोल्चिसिन एल्कलॉइड माइटोटिक डिवीजन के ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन के दौरान मेटाफेज को अरेस्ट करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कोल्चिकम लिलियसी फैमिली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर, प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर एंड सो विविपेरी बिलोंग टू, तो जो प्लांट न्यूमेटोफोर रखते हैं वो साल्टी रीजन में होते हैं, यानी वो हेलोफाइट कैटेगरी के होते हैं, तो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन फाउंड इन, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन जनरली डाइकोट में होता है, और यहाँ पर मैंगो और पीपल बोथ आर डाइकोट, सो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मोनोकोट कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम डाइकोट ऑन द बेसिस ऑफ रूट सिस्टम, स्पेशली डाइकोट और मोनोकोट में रूट सिस्टम अलग अलग होते हैं, रूट सिस्टम पे दोनों डिफ्रेंशिएट होते हैं, डाइकोट में टैप रूट सिस्टम होता है और मोनोकोट में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, सो मोनोकोट कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम डाइकोट ऑन द बेस ऑफ रूट सिस्टम, करेक्ट है। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर स्टोरेज ऑफ फूड एंड एक्ट एज सिंक, ये रूट का मेन फंक्शन नहीं है, रूट का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। थर्ड है, एडवेंटियस रूट आर एडवेंटियस इन ओरिजन, करेक्ट है। और फोर्थ है, डाइकोट प्लांट है ऑलवेज टैप रूट सिस्टम, ये भी करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड होगा। ए सिलेंडर लेटर ब्रांच राइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, दीज फीचर आर रिलेटेड टू, अगर मेन स्टेम से स्टेम की ब्रांच स्टार्ट हो और वो एरियली ग्रो करे देन डाउनवर्ड और आर्क फॉर्म करे, तो स्टेम का ये मॉडिफिकेशन स्टोलोन होता है, और स्टोलोन जैस्माइन में होता है, सो आंसर इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम गिवन कैरेक्टर हाउ मैनी करेक्टली रिलेटेड विथ स्टेम, इट डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो, स्टेम प्लूम्यूल से डेवलप होता है, द स्टेम बियर बर्ड विच में बी टर्मिनल और एक्जिलरी, बर्ड को धारण करना स्टेम का कैरेक्टर है और वो टर्मिनल और एक्जिलरी हो सकती है, स्टेम इज जनरली ग्रीन वैन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन, जब यंग स्टेज में स्टेम होता है तो ग्रीन कलर का होता है, और जैसे ही वो सेकेंडरी होता है, जैसे ही ओल्ड होता है तो ब्राउन कलर में चेंज हो सकता है, सो करेक्ट। मेन एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेम इज सपोर्ट प्रोटेक्शन, ये स्टेम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है, स्टेम का प्राइमरी फंक्शन टू बियर ब्रांच लीव्स फ्लोर फ्रूट, यानी स्टेम का प्राइमरी फंक्शन ब्रांच को फ्लोर को फ्रूट को धारण करना होता है, तो ये रॉन्ग है। और द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड इंटरनोड, जहाँ लीव्स अटैच होती स्टेम पर ज्वाइन होती है वो नोड रीजन होता है, नॉट इंटरनोड, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर ए बी और सी करेक्ट हैं,
तो थ्री स्टेटमेंट करेक्ट है, सो आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट द एपिपिटलस कंडीशन, एपिपिटलस कंडीशन इज फाउंड इन द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ, तो मेनली एपिपिटलस कंडीशन सोलेनेसी के मेंबर में होती है, तो यहां पर आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लीव ओरिजिनेट फ्रॉम एंड आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, तो करेक्ट आंसर रेस्पेक्टिवली। जनरली अपन देखते हैं कि भी लीव्स का ओरिजिन सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, लीव प्राइमोर्डिया सूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होते हैं और फिर लीव्स एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होती है, यानी ओल्ड लीव्स बेस पार्ट में होती है और यंग लीव्स टर्मिनल की ओर होती है, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, सूट एपिकल मेरिस्टेम ओरिजिन सूट एपिकल मेरिस्टेम से और अरेंज इन एक्रोपिटल सक्सेशन, सो आंसर इज 4। नेक्स्ट फाइबरस रूट सिस्टम ऑफ वीट डेवलप फ्रॉम, जनरली फाइबरस रूट सिस्टम में फर्स्ट रेडिकल से रेडिकल इनिशिएट होता प्राइमरी रूट में, बट प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है और जैसे ही वो डिजनरेट हो जाती है तो फिर स्टेम के बेस से एडवेंटिस टाइप रूट ओरिजिनेट होती है और इस रूट सिस्टम आप कहते हो फाइबरस रूट सिस्टम, तो यहां पर आंसर होगा बेस ऑफ स्टेम, आंसर आंसर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म पोलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू, तो एडेल्फी का मीन होता है कोहेजन ऑफ स्टेमन फिलामेंट और एडेल्फी एडेल्फी कंडीशन और पोलीएडेल्फस कंडीशन रिलेट होती है सिट्रस से और एडेल्फस का मीन होता है कोहेजन ऑफ स्टेमन और स्टेमन का मीन एंड्रोसियम, सो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट हाउ मेनी प्लांट अमंग इंडिगोफेरा सेसबेनिया साल्विनिया एलोय एलियम मस्टर्ड ग्राउंडनट रेडिस टोमेटो पी ग्राम एंड टर्निप हैव स्टेमन्स विथ डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लोवर, फ्लोर में एंड्रोसियम की यूनिट होती है स्टेमन और स्टेमन के थ्री पार्ट होते हैं फिलामेंट कनेक्टिव और एंथर, अगर फ्लोर विथ इन ए फ्लोर अगर फिलामेंट की लेंथ में वेरिएबिलिटी हो तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डायडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस, डायडाइनेमस कंडीशन फाइंड इन साल्विया डायडाइनेमस 2+2 टू शॉर्ट टू लॉन्ग और टेट्राडाइनेमस कंडीशन, टेट्राडाइनेमस कंडीशन इज 2+4, टेट्राडाइनेमस कंडीशन इज 2+4 प्रेजेंट इन ब्रेसिकेसी फैमिली मीन मस्टर्ड रेडिस टर्निप, मस्टर्ड रेडिस टर्निप, सो हियर प्लांट्स हैव स्टेमन विथ डिफरेंट लेंथ, हियर फोर प्लांट हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन, आंसर इज 4। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन, टेंड्रिल ऑफ पंपकिन कद्दू के प्रतान स्टेम का मॉडिफिकेशन है, थॉर्न ऑफ सिट्रस स्टेम का मॉडिफिकेशन है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपनसिया फिलोक्लेड ऑल्सो स्टेम मॉडिफिकेशन और फोटोसिंथेसिस, बट पिक्चर ऑफ नेफंथीज इज नॉट ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, सो हियर क्वेश्चन आंसर इज 4। 15 क्वेश्चन, ओवेरी वन चैम्बर्ड बट इट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फल सेप्टम, ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर इनिशियली ओवरी वन चैम्बर्ड होती है लेकिन बाद में रैप्लम फॉर्म होने से स्यूडोसेप्टा रैप्लम फॉर्म होने से वो बायलोक्युलर कंडीशन में चेंज हो जाती है, तो हियर मस्टर्ड एंड आर्जिमोन रिलेटेड टू फैमिली ब्रेसिकेसी, सो आंसर इज 4। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पिस्टिया अकर बाई, जनरली आईकोर्निया और पिस्टिया में स्टेम का सबेरियल मॉडिफिकेशन होता है ऑफसेट, तो हियर आंसर इज फर्स्ट ऑफसेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर फॉर फ्रूट एंड इट एडिबल पार्ट, यहां पर फ्रूट और उसके एडिबल पार्ट का पेयर दिया गया है, तो टोमेटो इज ए ट्री फ्रूट, टोमेटो ट्री फ्रूट है और टोमेटो के अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्लस पेरिकार्प एपी मिजोर एंडो, तो ट्री फ्रूट में थैलेमस नहीं हो सकता और तो ये रॉन्ग हो गया। मैंगो में फ्लैसी मिजोकार्प होती है, यहां पर एपिकार्प दिया है तो ये रॉन्ग हो गया। कोकोनट में एडिबल पार्ट एंडोस्पर्म ये करेक्ट है, तो क्वेश्चन का आंसर थर्ड होगा। सेलेक्ट ओड वन, इसमें फिलोक्लेड क्लेडोड ये स्टेम के फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफिकेशन है, लेकिन फिलोड फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफिकेशन है बट लीप का मॉडिफिकेशन है, तो ये ओड वन हो गया, तो आंसर ऑफ 18 थर्ड। एडिबल रूट आर फाउंड इन, राइस में एडिबल रूट नहीं होती, वीट में नहीं होती, फाइबरस रूट सिस्टम होता है, पोटेटो में अंडरग्राउंड स्टेम होता है स्टोरेज के लिए, तो स्टेम है, तो
तो यहाँ स्वीट पोटैटो जो एडिबल एडवेंटियस रूट है, क्योंकि ये फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ टिश्यू रिप्रेजेंट द ग्राउंड टिश्यू ऑफ प्लांट। मेनली प्लांट की प्राइमरी स्ट्रक्चर में 3 टिश्यू सिस्टम होते हैं, आउटर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, देन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, देन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बट जो ब्लड पार्ट होता है प्लांट का वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर्म करता है। हियर एपिडर्मिस इंक्लूडिंग ETS, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पेरेनकाइमा ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम, मीजोफिल ऑफ लीफ, कोलेनकाइमा ऑफ यंग स्टेम एंड स्कलरिड इन द पल्प ऑफ गोवा, तो ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ GTS। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2nd। इन 3rd ऑप्शन पेरेनकाइमा ऑफ पिथ ऑफ स्टेम इंक्लूडिंग GTS बट एपिडर्मिस नॉट। इन 4th ऑप्शन कोलेनकाइमा ऑफ हाइपोडर्मिस इंक्लूडिंग GTS बट कॉर्क सेल ऑफ द बार्क नॉट इंक्लूडिंग GTS, इट इंक्लूडिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2nd। रेफर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम रेडिकल, ये टैप रूट है, रेडिकल से डेवलप होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। लेटर रूट अराइजिंग फ्रॉम द मैन रूट आर एक्जोजिनस। लेटर रूट कभी भी एक्जोजिनस नहीं हो सकती है, लेटर रूट हमेशा ओरिजिन के अंदर एंडोजिनस होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2nd होगा, क्योंकि 2nd स्टेटमेंट रॉन्ग है। इन बोगेनविलिया वीक स्टेम राइज अप ए सपोर्ट बाई क्लाइंगिंग टू इट विथ हेल्प ऑफ कर्ड थॉर्न्स, सच प्लांट आर कॉल्ड। तो ये स्कैम्बलर होते हैं, जनरली हुक या थॉर्न की हेल्प से अगर प्लांट किसी दूसरे प्लांट के सारे ऊपर चढ़ता है तो वो स्कैम्बलर होता है, वुडी क्लाइंबर होता है। लेकिन यहाँ हुक के सारे ऊपर जा रहा है प्लांट, तो ये स्कैम्बलर है। तो इसका आंसर होगा 4। द आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर रिप्रेजेंट, तो पोटैटो ट्यूबर एक अंडरग्राउंड स्टेम है और उसकी जो आई बड होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आई बड वहाँ एक्जिलरी बड को या नोड को रिप्रेजेंट करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1st होगा, नोड्स। नेक्स्ट, इन सम मोनोकोट लीव बेस में बिकम स्लोन एंड इट कॉल्ड एज। तो कुछ मोनोकोट में से वीट में इनमें लीव बेस स्वेल अप होकर स्टेम को पार्सली और फुली कवर्ड कर लेता है, तो सिटिंग लीव बेस होता है, सिटिंग लीव बेस। और अगर वो स्लोन हो जाए और स्पॉन्जी फॉर्म में, नोड्यूल फॉर्म में स्लोन हो, तो उसको अपन बोलते हैं पलवाइनस। पलवाइनस फेबेसी फैमिली में होता है। तो यहां पर आंसर होगा लेग्यूम्स और पलवाइनस। सो आंसर इज 2nd। नेक्स्ट, इन फाइलोटैक्सी पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन प्लांट। तो अपोजिट फाइलोटैक्सी गोवा में या कैलोट्रोपिस में होती है। तो आंसर होगा आपका 3rd। विच प्लांट पार्ट इज मॉडिफाइड इन टू पिक्चर इन पिक्चर प्लांट। तो पिक्चर प्लांट में इंसेक्टिवरस प्लांट है, इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए लीप का लेमिना पार्ट पिक्चर में मॉडिफाई होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3rd। रेटिकुलेट वेनेसेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट एन एक्सेप्शन ऑफ दिस जनरलाइजेशन इज। जनरली आप जानते हैं कि रेटिकुलेट वेनेसन डाइकोट का कैरेक्टर है और पैरेलल वेनेसन मोनोकोट का है, बट डाइकोट में एक एक्सेप्शन है कैलोफाइलम और मोनोकोट में एक एक्सेप्शन है स्माइलेक्स। तो यहां डाइकोट का एक्सेप्शन पूछा है, तो आंसर होगा कैलोफाइलम 1st। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ वेनेसन प्रेजेंट इन बनाना। बनाना के अंदर आप जानते हो कि मोनोकोट में जो वेनेसन होता है यानी पैरेलल वेनेसन होता है और पैरेलल यूनिकोस्टेट होता है बनाना के अंदर। तो यहां पर आंसर होगा 3rd। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ वीन इन द लीव्स। लीव्स के लेमिना पार्ट में मिड रिब और वीन और वीनलेट्स होती हैं, और वीन का जो प्राइमरी फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल है, मैकेनिकल सपोर्ट भी और ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड मटेरियल भी है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर इज 4, ऑल 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 30, इन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस मैन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लोर हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ एंड फ्लोर आर बोर्न इन सक्सेशन। तो देखो प्लांट्स में 2 टाइप के इन्फ्लोरेंस होते हैं, रेसिमोज, जनरली रेसिमोज एंड साइमोज। रेसिमोज के अंदर फ्लोरल एक्सिस अनलिमिटेड ग्रोथ करता है, फ्लोर में टर्मिनेट नहीं होता है, जबकि साइमोज में वो फ्लोर में टर्मिनेट हो जाता है और लिमिटेड ग्रोथ शो करता है। तो यहाँ पर आंसर इस क्वेश्चन का होगा 4, साइमोज और बेसिपिटल ऑर्डर। और रेसिमोज में एक्रोपिटल सक्सेशन शो करता है, यानी मेच्योर फ्लोर एट बेस एंड यंग फ्लोर एट टर्मिनल, बट साइमोज के अंदर बेसिपिटल ऑर्डर करता है, यानी यंग फ्लोर एट बेस एंड ओल्ड फ्लोर
एट टर्मिनेट, तो आंसर फोर है साइमोज बेसिपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इन इफ द गाइनोसियम इज प्रेजेंट इन द टॉप एंड मोस्ट पोजिशन ऑफ द थैलेमस द फ्लोअर इज रेफर्ड टू एज। यदि थैलेमस पे गाइनोसियम टॉप पोजिशन पे और अदर फ्लोर वूल आर इन्फीरियर एंड ओवरी सुपीरियर देन दिस टाइप हाइपोगाइनस। बट हियर इफ द गाइनोसियम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट ऑफ पोजिशन ऑफ द थैलेमस द फ्लोर इज, तो आंसर इज फर्स्ट हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। नेक्स्ट ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेल सेप्टम इन। तो जनरली ब्रेसिकेसी फैमिली में ओवरी सिंगल चैम्बर्ड होती है इनिशियली, लेकिन मैच्योरेशन पर जब रेप्लम फॉर्म होता है तो ड्यू टू रेप्लम फॉर्मेशन वो बाई लोकुलर फॉर्म में, इन टू चैम्बर बाई लोकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा ब्रेसिका। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन ए बी सी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन ए में, डायग्राम ए में जो पेटल्स का अरेंजमेंट है वो कंटिन्यूसली अपन बात ओवरलैपिंग है और ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो ट्विस्टेड को शो कर रहा है। सेकंड ओवरलैप तो है बट नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन तो इम्ब्रिगेट को शो कर रहा है। और थर्ड ओनली मार्जिन ऑफ पेटल टच टू इज द नॉट ओवरलैप तो वाल्वेट को शो कर रहा है। और फोर्थ यहाँ पर जो पोस्टीरियर पेटल है वो स्टैंडर्ड वो लार्जेस्ट है, टू लेटरल विंग एंड टू एंटीरियर कील तो ये वेक्जलरी एस्टिवेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा ट्विस्टेड इम्ब्रिगेट वॉल्वेट और वेक्जलरी। सो आंसर इज फोर। विच काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन रिप्रेजेंट बाय द गिवन फिगर। फिगर में जो प्लेसेंटेशन दिया गया है वो एक्जिल प्लेसेंटेशन है और ये ट्राई कार्पलरी ट्राई लोकुलर एक्जिल प्लेसेंटेशन को शो कर रहा है क्योंकि एक्जिल में जो कार्पल के मार्जिन है वो टच होते हैं और वो ग्रो करते हैं सेंटर की ओर और सेंटर पे प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा पे मैनी ओव्यूल्स अरेंज होते हैं तो ये एक्जल प्लेसेंटेशन है। सो आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट टिपिकल प्लेसेंटेशन सोन इन हिबिस्कस रोजा साइनेसी चाइना रोज। जो तीन फैमिली होती है मालवेसी लीलिएसी और सोलेनेसी ये एक्जल प्लेसेंटेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर चाइना रोज रिलेट है मालवेसी फैमिली से तो एक्जल प्लेसेंटेशन होगा। सो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट ओवरी सेड टू बी हाफ इन्फीरियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। हाफ इन्फीरियर ओवरी पेरिगाइनस कंडीशन में होती है प्लम पीच रोज में, प्लम पीच रोज में तो यहां पर आपका आंसर होगा पेरिगाइनस सेकंड। नेक्स्ट मोनोथिकस कंडीशन ऑफ स्टेमन दैट इज प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल एंथर लोब इन ए करेक्टिव स्लोप। जनरली देखो जो एंथर होता है एंजियोस्पर्म में वो बाइलोब्ड होता है टेट्रास्पोरेंजियट होता है लेकिन मालवेसी फैमिली के अंदर मोनोथिकस होता है और बाइस्पोरेंजियट होता है तो यहां पर फैमिली होगी मालवेसी, आंसर सेकंड। नेक्स्ट मेज ग्रेन इज ए फ्रूट नोन एज। जो मेज ग्रेन है जो ग्रेन्स होते हैं व्हीट के मेज के राइस के ये जनरली अपन बात की मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओर से डेवलप होते हैं तो ट्रू फ्रूट है लेकिन ड्राई फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स में इनडाइसेंस फ्रूट हैं तो इनमें जो पेरिकार्प है वो सीड कोट के साथ फ्यूज होती है तो ये जो ग्रेन है ये कैरियोप्सिस टाइप के फ्रूट होते हैं तो ऑप्शन सेकंड, आंसर सेकंड। नेक्स्ट मोनोकोटिलेडोन सीड पोजेज ए सिंगल कोटिलेडोन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो 39 क्वेश्चन बताया गया कि मोनोकोट में सिंगल कोटिलेडोन होता है मैन, सेकंड कोटिलेडोन डिजनरेट हो जाता है एपिब्लास्ट। सो जो मैन कोटिलेडोन होता है मोनोकोट का वो स्कुटेलम होता है तो यहां पर आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन कोलियोराइजा एंड कोलिप्टल आर द प्रोटेक्टिव शीथ कवरिंग। तो मोनोकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर में कोलियोराइजा रेडिकल पर कवरिंग होता है और कोलिप्टल प्लिम्यूल पे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है तो यहां रेस्पेक्टिवली फॉर्म में दिया है तो रेडिकल और प्लिम्यूल। सो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट एंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन। जनरली अपन कहते हैं कि सीड दो टाइप के होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक। डायकोट में जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं और मोनोकोट में एंडोस्पर्मिक। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के दौरान अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज हो जाए तब तो नॉन एंडोस्पर्मिक लेकिन एंडोस्पर्म रिमेन रह जाए तो एंडोस्पर्मिक। तो यहां पर बार्ले और कैस्टर एंडोस्पर्मिक है सो आंसर इज थर्ड और पी डायकोट है
तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, तो आंसर थर्ड होगा 41 क्वेश्चन का। नेक्स्ट, स्टडी केयरफुली द गिवन फ्लोरल डायग्राम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेटेड फॉर्मूला। तो दिया गया फ्लोरल डायग्राम सोलेनेसी फैमिली का है, और सोलेनेसी फैमिली का जो फ्लोरल डायग्राम है वो एक्टिनोमोर्फिक, बाइसेक्सुअल, गैमो सिपेलस, फाइव सेपल और गैमोपिटेलस और एपिपिटेलस कंडीशन, और बाइकार्पलरी सिनकार्पस। तो हियर फाइव सेपल गैमोसिपेलस, फाइव पेटल गैमोपिटेलस, एपिपिटेलस कंडीशन एंड बाइकार्पलरी सिनकार्पस। सो फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी फैमिली इज करेक्ट आंसर इज फोर, करेक्ट आंसर इज फोर। नेक्स्ट, द फ्लोरल फॉर्मूला एक्टिनोमोर्फिक, बाइसेक्सुअल, एपिकेलिक्स, गैमोसिपेलस, फाइव सेपल, पोलिपिटेलस, फाइव पेटल और मोनोडेल्फस कंडीशन, इनफाइनाइट स्टेमर मोनोडेल्फस और पेंटाकार्पलरी, पेंटालोक्युलर एक्जिल प्लेसेंटेशन फाउंड इन फैमिली मालवेसी। मालवेसी में ही पेंटाकार्पलरी, पेंटालोक्युलर कंडीशन होती है, एक्जिल प्लेसेंटेशन होता है। तो यहां पर आंसर होगा फोर, तो 43 का फोर आंसर। नेक्स्ट, ए प्लांट हैज बटरफ्लाई सेप्ड फ्लोर विथ वन स्टैंडर्ड टू लेटरल टू कील पेटल, द प्लांट बिलोंग टू द फैमिली। तो ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया गया यहाँ पर एस्टिवेशन है वो वेक्जिलरी है, और वेक्जिलरी एस्टिवेशन में पोस्टीरियर पेटल लार्जेस्ट होता है, स्टैंडर्ड टू लेटरल विंग्स एंड टू एंट्रियल कील और कैरिना, और दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज वेक्जिलरी एंड इट फाउंड इन फैमिली फावेसी पेपलोनेसी। सो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, विच फ्लोरल फैमिली इज 9+1 अरेंजमेंट ऑफ एंथर इन द एंड्रोसियम। तो 9+1 इट मीन डायडेल्फस कंडीशन, और डायडेल्फस कंडीशन फाउंड इन फाबेसी फैमिली। सो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट, स्टडी केयरफुली द गिवन फ्लोरल डायग्राम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेटेड फॉर्मूला। तो जो फैमिली, इस फैमिली का जो फ्लोरल डायग्राम वो लिलियसी का है, और लिलियसी फैमिली का जो फ्लोरल फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर एक्टिनोमोर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ में टेपल 6+3+3 और स्टेमन 6, ट्राइकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी, ट्राइलोक्युलर, सिनकार्पस और एक्जिल प्लेसेंटेशन। सो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, इन एन इनफ्लोरेंस वेयर फ्लोर आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन द पोजिशन ऑफ यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड सेल बी। तो इस फ्लोरल एक्सिस में जो यंगेस्ट होगा वो टर्मिनल की ओर होगा, तो बेस से डिस्टल पार्ट पर होगा, तो आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट, 48 क्वेश्चन, रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। अगर रेडिकल के अलावा रूट कहीं से भी डेवलप होती है, ब्रांच से, लीव पर, कहीं पर भी, तो एडवेंटिस टाइप की रूट होती है, तो अदर देन रेडिकल एडवेंटिस रूट होती है, तो यहां पर आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, द मैच्योर सीड ऑफ प्लांट सच एज ग्राम पी पोजेस नो एंडोस्पर्म, क्योंकि ये डाइकोट सीड है और डाइकोट सीड में एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान कंप्लीटली एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। क्लियर, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा कि एंडोस्पर्म गेट यूज अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट, तो आंसर इज फोर। नेक्स्ट, वेनेशन इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ। तो वेनेशन का मीन होता है कि लीप के अंदर वीन और वीनलेट का अरेंजमेंट, वीन और वीनलेट का अरेंजमेंट, तो हियर आंसर इज थर्ड, वीन एंड वीनलेट इन लेमिना। नेक्स्ट, मैनी पल्सेज ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिली बिलो। जो पल्सेज होती है, दालें होती है, चना, मटर, ये ज़्यादातर किससे रिलेट होते हैं, फैबेसी से, और दालें मिसाल लेग्यूम होती है, फैबेसी से रिलेटेड होती है, तो यहाँ पर फैबेसी फैमिली आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट, 52 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 52। तो हियर एलिरोन लेयर, एलिरोन लेयर यहाँ पर न्यूट्रिशन के लिए होती है, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं, और ओव्यूल, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट होता है, और एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। क्लियर, तो यहां पर आंसर सेकंड होगा, ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर और डी में थर्ड।
तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर सेकंड। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेरिस्मेटिक सेल एंड सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। देखो जो मेरिस्टमेटिक सेल्स होती हैं उनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और नो स्टोरेज, फूड सप्लाई हाई होती है, नो स्टोरेज होता है, प्रोप्लास्टिड इंस्टेड ऑफ प्लास्टिड और ERGB लेस डेवलप होते हैं। तो यहां पर स्टेटमेंट थर्ड रॉन्ग हो जाएगा, वेल डेवलप्ड ER एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते लेकिन वेल डेवलप्ड ER नहीं होती है। तो आंसर फर्स्ट यानी फर्स्ट एंड सेकंड यहां पर करेक्ट है और थर्ड इनकरेक्ट है। तो 53 का फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट 54, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी एंड सी। तो यहां पर जो ए स्ट्रक्चर है दीज आर ली प्राइमोडिया, ये ली प्राइमोडिया है, ली प्राइमोडिया। और जो बी स्ट्रक्चर है दिस मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेम है। और जो सी स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट करती है एक्जिलरी बड को, तो एक्जिलरी बड है। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो सेकंड, लीप प्राइमोडियम, सूट एपिकल मेरिस्टेम और एक्जिलरी बड। तो 54 का सेकंड आंसर। नेक्स्ट, स्कलरिड आर प्रेजेंट इन, तो जनरली स्कलरिड नट फ्रूट की फ्रूट वॉल में होते हैं, पेरिकार्प में होते हैं, पल्प ऑफ गुआवा एंड पियर, अमरूद और नाशपति के गुद्दे में होते हैं और लेग्यूम के सीड कोट में भी होते हैं स्कलरिड। तो अकॉर्डिंग आंसर 4। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। अगर प्लांट में एपिकल मेरिस्टेम से जो भी ग्रोथ होती है वो प्राइमरी ग्रोथ होती है और लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी होती है, तो यहां पर एपिकल मेरिस्टेम जो भी ग्रोथ होगी प्राइमरी ग्रोथ होगी। तो आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बेटा यहां पर टाइप ऑफ टिश्यू और फंक्शन का पेयर फॉर्म किया गया है। तो पेरेनकाइमा स्टोरेज फोटोसिंथेसिस करेक्ट है, स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सब स्ट्रेंथ करेक्ट है, जाइलम एसेंट ऑफ सैप करेक्ट है, बट फ्लोएम ऑर्गेनिक सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट करता है, बट यहां दिया है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये जाइलम का फंक्शन है। तो 4 ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आंसर आपका होगा 4। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स, कि इनमें से मेरिस्मेटिक सेल का कौन सा करेक्टर नहीं है। प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, मेरिस्टेम में कभी भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है तो ये इसका करेक्टर नहीं है। थिन सेलोजिक वॉल करेक्टर है, हाई मेटाबॉलिक रेट करेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस करेक्टर है। तो आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, इन एंगुलर कोलेनकाइमा थिकनिंग आर प्रेजेंट। तो देखो कोलेनकाइमा में अनइक्वल थिकनिंग होती है और कॉर्नर पर अनइक्वल थिकनिंग होती है, मेनली पेक्टिन की और फिर हेमिसेलुलोज की। तो यहां पर होगा थिकनिंग एट द कॉर्नर ऑफ सेल। तो आंसर थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सिस्टम, कौन सी बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। अब आप समझते हैं कि प्लांट बॉडी में तीन टिश्यू सिस्टम होते हैं, ETS, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर। तो एक्सेप्ट ETS एंड VTS, जो प्लांट का मेन ब्लक पार्ट होता है, बीच का जो मेन ब्लक पार्ट बनाता है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सेकंड। नेक्स्ट, रेडियल वेस्कुलर बंडल कैरेक्टरिस्टिकली अकर इन। भाई रेडियल टाइप के वेस्कुलर बंडल सभी रूट का कैरेक्टर, चाहे मोनोकोट हो चाहे डायकोट हो। मोनोकोट डायकोट में टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल सेम है, रेडियल वेस्कुलर बंडल जिसमें फ्लोएम और जाइलम अल्टरनेट होते हैं और डिफरेंट रेडियाई पे, फ्लोएम जाइलम टुगेदर बट डिफरेंट रेडियस पे, तो रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो मोनोकोट और डायकोट रूट में रेडियल वेस्कुलर, तो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन, इन प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड पेरीफ्री एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड सेंटर। यदि जाइलम डेवलपमेंट में, जाइलम के डेवलपमेंट में प्रोटोजाइलम पेरीफ्री रीजन, इट मीन पेरिसाइक्लिक ओर हो और मेटाजाइलम सेंटर की ओर हो, तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं एक्जार्क जाइलम। तो हियर आंसर इज 4, रूट्स एंड एक्जार्क। नेक्स्ट, कैस्पियन स्ट्रिप आर द बैंड ऑफ थिकनिंग प्रेजेंट ऑन वॉल ऑफ एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस की बैरल सेप जो सेल्स होती हैं, उन बैरल सेप सेल की इनर वॉल और जो रेडियल वॉल होती है दोनों के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। तो सुबेरिन का डिपोजिशन से वो वाटर के लिए इम्प्रेमेबल होती है, तो उनको अपन कहते हैं कैस्पियन स्ट्रिप। तो यहां पर रेडियल एंड टेंजेंशियल, सो आंसर इज 4, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट,
हाइपोडर्मिस इन सनफ्लावर स्टेम एंड मेज। देखो जो डाइकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, उस डाइकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की होती है और मोनोकोट में स्क्लेरेनकाइमा की होती है। तो यहां पर कोलेनकाइमेटस, क्योंकि सनफ्लावर डाइकोट है और मेज मोनोकोट है, तो कोलेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस। सो आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनाटॉमी ऑफ टिपिकल मोनोकोटिलेडन स्टेम। मोनोकोट स्टेम की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसमें जनरली ईटीएस होता है और वैस्कुलर बंडल होते हैं, जीटीएस डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। तो यहां पर है कि और फ्लोएम पेरेन्काइम एब्सेंट होता है, तो मोनोकोट में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट है, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट है जो करेक्ट है। वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड कॉनजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज, करेक्ट है। ईच वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाई बंडल सीथ, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ होता है, करेक्ट है। बट ग्राउंड टिश्यू इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल। मोनोकोट की प्राइमरी स्ट्रक्चर में ग्राउंड टिश्यू डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। तो आंसर यहां पर होगा 4। नेक्स्ट, वेल डेवलप्ड पिथ फाउंड इन। देखो प्राइमरी स्टेम, स्टेम की रूट की प्राइमरी स्ट्रक्चर में मोनोकोट रूट में वेल डेवलप्ड पिथ होती है और डाइकोट स्टेम में। तो यहां पर आंसर होगा मोनोकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम। सो आंसर इज 3। नेक्स्ट, इन डोर्सी वेंट्रल लीफ लोकेशन ऑफ पैलिसेट टिश्यू एंड फ्लोएम इज रेस्पेक्टिवली ऑन द सरफेस। देखो जो डाइकोट में डोर्सी वेंट्रल लीव्स होती है उसमें फ्लोएम की पोजीशन को आपको याद करना, एक फॉर्मूला बताता हूं। फ्लोएम का ढाबा, इट मीन फ्लोएम डोर्सल एंड अबेक्सियल। तो फ्लोएम डोर्सल और अबेक्सियल होता है और जो पैलिसेड पेरेन्काइमा वो अडेक्सियल होता है। तो यहां पर पैलिसेड टिश्यू की तो अडेक्सियल होगी और फ्लोएम की अबेक्सियल होगी, तो रेस्पेक्टिवली अपन देंगे अडेक्सियल एंड अबेक्सियल। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट, स्टोमेटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर ऑन द लोअर सरफेस देन ऑन द अपर सरफेस। अगर लीफ की लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा हो और अपर पे एब्सेंट या फ्यू स्टोमेटा हो तो डोर्सी वेंट्रल लीव्स होती है। डोर्सी वेंट्रल लीव्स की दोनों फेस डिफरेंट होती है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के कारण, अनइक्वल सनलाइट होती है, और अनइक्वल सनलाइट होती है तो दोनों सरफेस डिफरेंट है, तो ये बाईफेसियल लीव्स हैं। तो आंसर 2। नेक्स्ट, स्टिल नॉट इंक्लूड। आप समझ सकते हैं कि जो रूट और स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसमें पेरिसाइकिल के अंदर वाला पार्ट स्टील होता है, तो पेरिसाइकिल से इनसाइड जो पार्ट होता है पेरिसाइकिल, फिर वैस्कुलर बंडल और पित, वो स्टील में इंक्लूड होता है। हियर स्टील इंक्लूड पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पित, बट नॉट इंक्लूड कॉर्टेक्स। सो आंसर इज 4। नेक्स्ट, इन एंडार्क कंडीशन ऑफ जाइलम प्रोटोजाइलम लाइव ऑन ऑफ मेटाजाइलम। तो जो एंडार्क जाइलम कंडीशन होती है जाइलम डेवलपमेंट की, उसमें प्रोटोजाइलम पहले पेरिसाइक्लिक और पेरिफ्री रीजन में मेटाजाइलम होता है, फिर प्रोटोजाइलम होता है। तो प्रोटोजाइलम इनर साइड होता है मेटाजाइलम के, तो इन एंडार्क कंडीशन ऑफ जाइलम प्रोटोजाइलम लाइज ऑन मेटाजाइलम इनर साइड। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। हाइपोस्टोमेटिक लीफ ऑफ हाइपोस्टोमेटिक लीफ डाइकोट्स, एपिस्टोमेटिक लीफ मोनोकोट, एम्फी स्टोमेटिक लीफ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। तो डाइकोट में हाइपोस्टोमेटिक होती है, करेक्ट है, एपिस्टोमेटिक नॉट इन मोनोकोट, ये रॉन्ग है, एम्पिस्टोमेटिक होती है। और एम्पिस्टोमेटिक लीफ इन फ्री फ्लोटिंग, उसमें एपिस्टोमेटिक तो रॉन्ग है, प्रेजेंस ऑफ सनकेन सबमर्ज्ड हाइपो हाइड्रोफाइट स्टोमेटा इन लीफ रॉन्ग है। तो यहां पर करेक्ट पेयर आपका है फर्स्ट, हाइपोस्टोमेटिक लीफ इन डाइकोट, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट, फेलोजन कट ऑफ डेरिवेट्स ऑन द इनर साइड ऑफ फॉर्म एंड ऑन द आउटर साइड। तो जब डाइकोट स्टेम या रूट में एक्स्ट्रा स्टिलर ग्रोथ होती है, एक्स्ट्रा स्टिलर की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कोर कैम्बियम, और कोर कैम्बियम फेलोजन बोलते हैं। तो फेलोजन इन साइड द सेकेंडरी कॉन्टेक्ट फेलोड्रम और आउटसाइड फेलम कोर फॉर्म करता है। तो यहां पर फेलोजन कट ऑफ ऑफ डेराइड्स ऑन द इनर साइड टू फॉर्म और ऑन द आउटर साइड, तो इनर साइड सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड आउटर साइड कॉर्क, तो आंसर इज 2। नेक्स्ट, इन टेम्परेट रीजन कैम्बियम इज लेस एक्टिव ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड फॉर्म फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट दैट हैव नैरो वेसल दिस वुड। टेम्परेट रीजन में जब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है तो वेस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो मौसम पर या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो स्प्रिंग सीजन में वेस्कुलर कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होता है,
तो वो ज़्यादा एलिमेंट फॉर्म करता है और वाइडर लुमेन होती है उनकी और कम डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी। लेकिन ऑटम में, ऑटम सीजन में अपन बात करेंगे, वो कम जाइलरी एलिमेंट फॉर्म करेगा और उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और नैरो लुमेन वाले होंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि विंटर सीजन एंड फॉर्म फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट हैव नैरो वेसल दिस वुड, तो ये ऑटम वुड होगी जो लो टेम्परेचर पर वेस्कुलर कैम्बियम की लो एक्टिविटी होगी। तो आंसर सेकंड। नेक्स्ट, स्टडी केयरफुली द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। लेटरल रूट डेवलप फ्रॉम पेरिसाइकिल करेक्ट है। एंडोडर्मिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स करेक्ट है। सैप वुड इज सेंट्रल डार्क कलर्ड नॉन कंडक्टिंग। सेकेंडरी ग्रोथ में जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसमें सैप वुड कंडक्टिंग होती है और फंक्शन होती है, जबकि हार्ट वुड सेंट्रल होती है और नॉन कंडक्टिंग होती है। तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो थर्ड ओनली। फोर, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन ए डाइकोट रूट कोर कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। देखो डाइकोट स्टेम के अंदर जो कोर कैम्बियम आउटर कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस से फॉर्म होती है, लेकिन रूट के अंदर एक्स्ट्रा स्टेल ग्रोथ में जो कोर कैम्बियम होती है पेरिसाइकिल से डेवलप होती है, पेरिसाइकिली कोर कैम्बियम डेवलप करता है डाइकोट रूट में। तो यहां पर आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, इन टेम्परेट रीजन ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट हैविंग वेसल विद वाइडर कैविटी वुड फॉर्म्ड। तो टेम्परेट रीजन में जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, तो विंटर में ऑटम वुड और स्प्रिंग में स्प्रिंग वुड फॉर्म होती है, और स्प्रिंग वुड के जाइलरी एलिमेंट की जो लुमेन होती है वाइड होती है। तो यहां पर आंसर आपका होगा स्प्रिंग वुड फर्स्ट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो यहां पर देखो कि जो मेरिस्टेम है वो मैच करेगा एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, और जो पेरेन्काइमा है वो फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज, जो कोलेन्काइमा है मैकेनिकल सपोर्ट, स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरल टाइप है उसकी, एपिडर्मल टिश्यूज में स्टोमेटा आएगा, तो इस टाइप से अपन मैच करेगा। तो आंसर आपका सेकंड होगा, ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड, डी फिफ्थ और ई फोर। सो आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड सो एंगुलर वॉल थिकनिंग दे आर ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट द टिश्यू इज। अगर इन अनइक्वल थिकनिंग हो तो कोलेन्काइमा होता है, और कोलेन्काइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, तो यहां पर आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, 79, एपिडर्मा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू। देखो रूट की प्राइमरी स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस से सिंगल सेल आउटर ग्रोथ होती है रूट हेयर, तो एपिडर्मिस रूट हेयर प्रोड्यूस करती है तो उसको अपन एपिडर्मा बोलते हैं। तो यहां पर आंसर होगा थर्ड, एपिडर्मिस। नेक्स्ट, ए कॉन जॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ। कॉन जॉइंट कोलेट्रल ओपन वेस्कुलर बंडल ओनली एंड ओनली इन डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम एंडार्क जाइलम एंड कॉन जॉइंट कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल होते हैं, तो यहां पर अब आंसर होगा डाइकोट स्टेम फोर। नेक्स्ट, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट सेल्स में डी डिफ्रेंशिएशन के थ्रू फॉर्म होता है, तो यहां पर आंसर होगा सेल डी डिफ्रेंशिएशन थर्ड। 82, फेलोजन एंड फेलम रेस्पेक्टिवली डिनोट। फेलोजन कोर कैम्बियम को रिप्रेजेंट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, जो होता है फेलोजन कोर कैम्बियम को रिप्रेजेंट करता है और फेलम कॉर्क को, तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन होगा कोर कैम्बियम एंड कॉर्क। नेक्स्ट, 83, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट एपिडर्मिस इज एब्सेंट। जनरली एपिडर्मिस एपिकल मेरिस्टेम पे एब्सेंट होती है, सूट एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्टेम पे, क्योंकि वहां सिंगल एयर ऑफ मेरिस्टेम बाद में प्रोटोडर्म जो मैच्योर पार्ट में एपिडर्मिस फॉर्म करता है, तो जो एपिकल मेरिस्टेम पार्ट होते हैं वहां पर एपिडर्मिस क्या होती है एब्सेंट होती है। तो यहां पर आपका आंसर होगा फर्स्ट, रूट टिप एंड सूट टिप। नेक्स्ट, 84, ए पीस ऑफ वुड हैविंग नो वेसल ट्रेकिया मस्ट बी बिलोंग। कि लकड़ी का टुकड़ा जो वुड का पीस है जिसमें वेसल्स नहीं है, तो जनरली जिम्नोस्पर्म में वेसल एब्सेंट होती है, तो यहां पर टीक एंजियोसी रिलेटेड है, मैंगो एंजियोसी रिलेटेड है, पाम ट्री एंजियोस है, बट थर्ड ऑप्शन पाइन जो जिम्नोस है, जनरली जिम्नोस्पर्म में निटेल को छोड़कर वेसल्स नहीं होती हैं, तो आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट, बाइकार्पलरी सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी बाइलोक्युलर प्लेसेंटेशन स्लोन विथ मैनी ओव्यूल्स।
और पर्सिस्टेंट कैलिक्स रिलेटेड विथ प्लांट ग्रुप। तो जनरली जो कैरेक्टर्स हैं वो सोलेनेसी फैमिली से हैं, कि सोलेनेसी फैमिली बाइकार्पलरी बाइलोक्युलर सिन कार्पस और एक्जिल प्रेजेंटेशन होता है। और तो यहाँ पर जो सोलेनेसी जो मेंबर रिलेट हैं, फर्स्ट ऑप्शन में एलोय नहीं है, सेकेंड ऑप्शन के अंदर तीनों रिलेटेड है अश्वगंधा बेलाडोना और चिल्ली, थर्ड ऑप्शन के अंदर ट्यूलिप नहीं है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर ग्लोरियसा नहीं है। तो आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, पेरियंथ इज द कंडीशन इन विच। जनरली देखो जो पेरियंथ कंडीशन होती है वो लिलियसी फैमिली में होती है, क्योंकि लिलियसी फैमिली में कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, तो कैलिक्स और कोरोला जब इनडिस्टिंक्ट हों तब आप उसको कहते हो पेरियंथ, और इसका यूनिट होता है टेपल। तो आंसर फोर होगा, कैलिक्स एंड कोरोला आर इनडिस्टिंक्ट। हाउ मेनी गिवन प्लांट कंटेन हाइपोगाइनस फ्लोअर। हाइपोगाइनस का मीन होता है टॉप पोजिशन पे ओवरी हो, गाइनोसियम हो, सुपीरियर ओवरी और ऑल आर इन्फीरियर। तो जनरली यहाँ पर प्लम पीच में पेरीगाइनस कंडीशन होती है, हाफ इन्फीरियर ओवरी, कुकुम्बर पम्पकिन और बिटर गोर्ड में एपिगाइनस कंडीशन होती है, और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में भी एपिगाइनस कंडीशन होती है। मस्टर्ड ब्रिंजल और चाइना रोज यहाँ सुपीरियर ओवर होती है हाइपोगाइनस। मस्टर्ड ब्रेसिकेसी फैमिली, ब्रिंजल सोलेनेसी, चाइना रोज मालवेसी, तो यहाँ सुपीरियर ओवरी कंडीशन होती है। तो आंसर होगा सेकेंड, तीन सुपीरियर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट फ्रॉम गिवन कैरेक्टर्स हाउ मेनी आर रिलेटेड विथ स्टेम। इनमें से कितने स्टेम से रिलेट हैं। तो जनरली इट डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, करेक्ट है, स्टेम से रिलेटेड है। इट बियर ब्रांच लीव्स, बट यहाँ रूट हेयर गलत आ गया, फ्लोअर एंड फ्रूट्स, तो ये रॉन्ग हो गया। स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड, करेक्ट है। स्टेम कंडक्ट वाटर मिनरल फोटोसिंथेट, करेक्ट है। स्टेम ऑल्सो रिलेटेड विद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोटेक्शन सपोर्ट, ये मॉडिफिकेशन है, करेक्ट है। स्टेम बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन वैन फॉर्म्ड, रॉन्ग है, यंग होता तब ग्रीन होता है। स्टेम बियर बड विच मे बी टर्मिनल एक्जिलरी, करेक्ट है। तो यहाँ जो सात स्टेटमेंट है उनमें से दो इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो हाउ मेनी आर करेक्ट, तो सेकेंड ऑप्शन। 89 क्वेश्चन, अडेप्टेशन अकर इन डोर्सी वेंट्रल लीव्स बाई अनइक्वल अमाउंट ऑफ लाइट। डोर्सी वेंट्रल लीव्स का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होता है, तो अनइक्वल लाइट होती है, अनइक्वल लाइट से उसका मेसोफिल डिफरेंशिएट होता है पैलिसेड और स्पॉन्जी, और स्टोमेटा इसलिए लोअर एपिडर्मिस पे अरेंज होते हैं, तब वो हाइपोस्टोमेटिक है। तो यहाँ पर आपका होगा कि हाइपोस्टोमेटिक लीव्स होती रहती है और डिफरेंशिएट मेसोफिल, तो सी एंड डी, तो करेक्ट आंसर फोर। नेक्स्ट, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिसमिसेज द सेल मैच्योर एंड फॉर्म। तो जनरली अपन कहते हैं कि यंग प्लांट सेल में प्राइमरी सेल वॉल होती है, और जैसे ही सेल मैच्योर होती है तो प्राइमरी सेल वॉल डिसमिस होकर सेकेंडरी वॉल वहां पर आती है। तो आंसर सेकेंड है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, तो आंसर सेकेंड। नेक्स्ट, ए स्टूडेंट प्रिपेयर्ड एंड विजुलाइज स्लाइड ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन एंड आइडेंटिफाई द स्लाइड, वन ऑफ देम इज शोइंग ओवल शेप्ड लिग्निफाइड वॉल कंटेनिंग सेल। तो दिस स्लाइड में बी बिलोंग, जनरली ओवल शेप्ड लिग्निफाइड वॉल कंटेनिंग जो सेल होती है वो स्क्लेरिड होती है, और यहाँ पर स्क्लेरिड पल्प ऑफ गवावा, फ्रूट पल्प ऑफ पियर एंड फ्रूट पल्प ऑफ पपाया में नहीं होता है, पल्प ऑफ गवावा और फ्रूट पल्प ऑफ पियर में होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और बोथ वन एंड सेकेंड करेक्ट इससे बिलोंग हो जाएंगे, तो आंसर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फ्लोअर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स। ऑल टाइप में फ्लोअर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, एंजियोस्पर्म में ओनली, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ब्रैकेट आर मॉडिफाइड रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसेल, तो ये करेक्ट है। कोरोला में भी ट्यूबुलर बेल सैप, फनल सैप और रोटेट सैप इन एंजियोस्पर्म प्लांट, करेक्ट है। मोनोडेल्फस स्टेमन इन चाइना रोज वाइल डायडेल्फस इन पी प्लांट, करेक्ट है। बट एक्जिल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन नॉट प्रेजेंट इन मस्टर्ड, इट प्रेजेंट इन चाइना रोज टोमेटो एंड लेमन, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ थ्री स्टेटमेंट करेक्ट, आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट 93, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर मॉडिफाइड लीप इन द गिवन लिस्ट। लीप के कितने मॉडिफिकेशन, टेंड्रिन वाटरमेलन स्टेम का मॉडिफिकेशन है, थॉर्न ऑफ सिट्रस स्टेम का मॉडिफिकेशन है, टेंड्रिल ऑफ पी लीप का मॉडिफिकेशन है, स्पाइन कैक्टाई लीप का है, और फिलोक्लेड स्टेम का है, तो यहाँ पर टू ही लीप के मॉडिफिकेशन है, तो आंसर आपका फोर होगा 93 में। नेक्स्ट,
इफ द मार्जिन ऑफ पेटल ओवरलैप ईच अदर बट नॉट इन पर्टिकुलर, अगर जब पेटल अरेंज होते हैं एस्टिमेशन शो करते हैं तो पेटल के मार्जिन ओवरलैप करें, ओवरलैप की डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं हो तो इम्ब्रिगेट टाइप का, इम्ब्रिगेट टाइप का एस्टिमेशन होता है। तो यहाँ फोर ऑप्शन इम्ब्रिगेट एंड गुलमोहर फैमिली दोनों करेक्ट मैच हैं, तो आंसर फोर होगा 94 का। नेक्स्ट मार्क करेक्ट ऑप्शन रेस्पेक्ट टू एडवांस फीचर ऑफ द फ्लावर इन प्लांट। जनरली ये फर्स्ट एंड सेकंड सिमेट्री को शो कर रहे हैं, तो एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री है, जायगोमॉर्फिक बायलेटरल, तो जायगोमॉर्फिक मोर एडवांस है। फिर ये प्लेसेंटेशन को शो कर रहे हैं, मार्जिनल से ज़्यादा एडवांस बेसल प्लेसेंटेशन है। फिर ये अब ये अपन बात रहे कि अम्बेल इन्फ्लोरेंस को शो कर रहे हैं, तो अम्बेल और कैपिटोलम में कैपिटोलम ज़्यादा एडवांस है। तो सेकंड फोर एंड सिक्स, तो सेकंड फोर एंड सिक्स आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट 96 प्लांट गिवन इन लिस्ट कैन बी इंक्लूड अंडर हाउ मेनी फैमिली, तो एस्बर्गस एलोय लिलियसी फैमिली से रिलेटेड है, इंडिगो फेरा फाबेसी फैमिली से रिलेटेड है, टर्निप ब्रेसिकेसी फैमिली, तो वन फैमिली टू फैमिली थ्री फैमिली, चिल्ली सोलेनेसी है फोर फैमिली, ल्यूपिन फाबेसी है, रेडिस ब्रेसिका से ही है, बेलाडोना सोलेनेसी है, तो ये दिए गए प्लांट चार फैमिली से रिलेटेड हैं। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर प्राइमरी मेरिस्टेम, तो प्राइमरी मेरिस्टेम के लिए जो करेक्टर है कि प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशियल प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्म करता है, तो अंडरगो डिफरेंशिएशन टू फॉर्म सेकेंडरी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉर्म प्राइमरी प्लांट बॉडी आफ्टर स्पेशलाइजेशन करेक्ट है, दीज आर एपिकल एंड लेटरल इन पोजिशन ऑलवेज इनकरेक्ट है, तो यहां पर ओनली बी करेक्ट है, तो आंसर थर्ड। नेक्स्ट कोर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम इज रूट आर एग्जाम्पल ऑफ, तो कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेस्टम लेटरल मेस्टम के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो आंसर सेकेंड। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम फ्यू लेयर प्रेजेंट बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल, तो वेस्कुलर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल के बिटवीन जो प्रेजेंट होती है वेस्कुलर बंडल, तो वो आपकी होती है प्राइमरी मेडुलरी रेज, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राइमरी मेडुलरी रेज, तो प्राइमरी मेडुलरी रेज यहां पर आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 एक्जिलरी बड फाउंड, तो जनरली जो एक्जिलरी बड होती है वो लीफ के एक्जिल में होती है, चाहे वो सिंपल लीफ हो और चाहे कंपाउंड लीफ हो, लेकिन लीफलेट के एक्जिल में कभी नहीं होती है, तो यहाँ पर इन एक्जिल ऑफ लीफलेट नहीं होगा, इन एक्जिल ऑफ पेडिसेल नहीं होगा, इन एक्जिल ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ करेक्ट है, इन एक्जिल ऑफ ओनली सिंपल लीफ तो रॉन्ग हो गया, तो आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट 101 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर इन्फ्लुएंस, भी इनमें से इन्फ्लुएंस के रेफरेंस कौन करेक्ट नहीं है, तो आप समझ रहे हैं कि इन्फ्लुएंस जो पुष्क्रम होता है रेसिमोज और साइमोज होता है, रेसिमोज में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है फ्लोरल एक्सिस की और साइमोज में लिमिटेड ग्रोथ होती है, रेसिमोज टर्मिनेट फ्लोर में टर्मिनेट नहीं होता और साइमोज टर्मिनेट हो जाता है, तो यहाँ पर फ्लावर ऑफ सन फ्लोर इज नॉट ए फ्लोर करेक्ट है, इन्फ्लुएंस फॉर्म ओनली इन क्रॉस पोलिनेटेड, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि सेल्फ पोलिनेटेड और क्रॉस कोई भी हो पोलिनेटेड सभी प्लांट में इन्फ्लुएंस फॉर्म होगा, इन रेसिमोज इन्फ्लुएंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लोर इन पेडेंकल इज एक्रोपिटल और सेंट्रीपिटल करेक्ट है, इन्फ्लुएंस मे बी फॉर्म इन बोथ सेल्फ और क्रॉस पोलिनेटेड, ये भी करेक्ट है, तो यहां पर इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो सेकेंड है, तो आंसर यहां पर होगा सेकेंड। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए टू डी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट ओनली, तो यहां पर देखो फेसिकुलेटेड रूट आर फाउंड इन एस्परगस करेक्ट है, फूड स्टोरेज के लिए एडवेंटेज का मॉडिफिकेशन है, इन बनाना प्लांट टाइप ऑफ स्टेम सकर, तो ये अपन बात की सेमी एरियल मॉडिफिकेशन है और इन बनाना में सकर मॉडिफिकेशन होता है, और फिर आपका आंसर रैकिस इज प्रेजेंट इन बोथ पिनेटली एंड पालमेटली कंपाउंड लीफ, बट अपन बात रिका कि जो इन ए बड इज प्रेजेंट इन एक्चुअल लीफलेट ये रॉन्ग है, तो यहां पर आंसर है फर्स्ट स्टेटमेंट ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 103 द
द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल शोइंग द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर अंडर माइक्रोस्कोप। तो कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस एज होमोजीनस लेयर, तो कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस का प्रेजेंट डाइकोट का कैरेक्टर है। स्क्लेरनकाइमेटस पेरिसाइकल इन पेचेज लोकेटेड जस्ट अबोव फ्लोएम बंडल्स, ये डाइकोट स्टेम का कैरेक्टर है। वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन ए रिंग, एक रिंग में अरेंज वेस्कुलर बंडल, और रेडियली प्लेस्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स बिटवीन वेस्कुलर बंडल मीन प्राइमरी मेडुलरी रिज, और प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड पिथ एंड कॉनजॉइंट कोलैटरल ओपन वेस्कुलर ओनली इन डाइकोट स्टेम। तो हियर कुकरबिटा एंड सोयाबीन बोथ आर डाइकोट, बट कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस एज होमोजीनस लेयर्स इन सोयाबीन स्टेम। तो हियर आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट, स्टिपलेट अल्टरनेट पिनेटली कंपाउंड और सिंपल लीव्स आर फाउंड इन मेंबर। तो जनरली देखो कि फाबेसी फैमिली के अंदर सिंपल और कंपाउंड दोनों टाइप की लीव्स होती है, लेकिन स्टिपलेट ओनली फाबेसी में होती है। जो लिलियसी फैमिली है और सोलेनेसी, उनमें एक्स स्टिपलेट लीव्स होती हैं, स्टिपलेट लीव्स ओनली फाउंड इन फाबेसी फैमिली। सो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट 105, विच सेट रिप्रेजेंट ट्रू फ्रूट। तो देखो जनरली ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो डेवलप फ्रॉम ओनली ओवरी, ओनली ओवरी पार्ट फ्रूट में डेवलप हो, अदर कोई भी पार्ट यूज नहीं हो, तो सुपीरियर ओवरी कंडीशन हो तो ट्री फ्रूट फॉर्म होते हैं। यहाँ पर मैंगो बट गवावा और एप्पल फॉल्स फ्रूट हैं, यहाँ मैंगो कोकोनट ट्री बट मलबेरी फॉल्स है क्योंकि कंप्लीट इन्फ्लोरेंस यूज होता है साइकोनस, यहाँ स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल एप्पल तो ये एप्पल फॉल्स हो गया, यहाँ मैंगो डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पली सुपीरियर, टोमेटो डेवलप फ्रॉम बाइकार्पली सुपीरियर, और लेग्यूम पोड ऑल्सो डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर। सो मैंगो टोमेटो एंड लेग्यूम पोड आर टाइप ऑफ ट्री फ्रूट्स। सो आंसर इज फोर। नेक्स्ट 106, ए फ्लावर इज कॉल्ड इनकम्प्लीट इफ इट डज नॉट हैव। जनरली देखो कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें फोर फ्लोरल वूल्स, के कैलिक्स, सी कोरोला, ए एंड्रोसियम गाइनोसियम, फोर के फोर प्रेजेंट हों, इनमें से एक भी एबसेंट है तो इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर एपिकैलिक्स और ब्रैकेट तो फ्लोर के फ्लोर वुल के पार्ट ही नहीं है, जनरली यहाँ पर कैलिक्स, तो आंसर आपका होगा सेकंड। नेक्स्ट 107, इफ द एंथर ऑफ स्टेमन आर यूनाइटेड इन बंडल बट फिलामेंट आर फ्री देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड। देखो सेम टाइप के फ्लोर वुल अगर यूनाइटेड होते हैं तो वो कोहेजन होता है। अब कोहेजन में अगर स्टेमन स्टेमन यूनाइटेड हो जाए, एंथर फ्री रहे तो एडेल्फी होती है। अब एंथर अगर यूनाइटेड हो जाए और स्टेमन फ्री रहे तो इसको सिंजेनेसिस कंडीशन बोलते हैं। तो यहां पर आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच वन इज ओड इन रेफरेंस ऑफ पिटियोल। देखो पिटियोल के रेफरेंस जो ओड है उसको अपना सेलेक्ट करना है। तो हेल्प टू होल्ड द ब्लेड टुवर्ड लाइट करेक्ट है, वो अरेंज करता है लीफ ब्लेड को। देन ऑलवेज लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड करेक्ट है। देन हेल्पफुल इन कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस करेक्ट है। द लीप अटैच टू द स्टेम बाय द पिटियोल, तो पिटियोल की हेल्प से स्टेम से अटैच होती है, लीप बेस पार्ट होता है वो। तो यहां पर आंसर आपका होगा फोर। नेक्स्ट, रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। इन सोलेनेसी फैमिली फ्लोर आर बाइसेक्सुअल, करेक्ट है, सोलेनेसी बाइसेक्सुअल फ्लोर होते हैं। ऑल बाइसेक्सुअल फ्लोर आर ऑलवेज कंप्लीट, रॉन्ग हो गया क्योंकि के और सी भी, कैलिक्स और कोरोला भी तो एबसेंट हो सकता है। All complete फ्लोर आर bisexual, ये 100% करेक्ट है क्योंकि कंप्लीट वो फ्लोर जिसमें के सी ए जी चारों हो, इट मीन ए और जी बोथ आर प्रेजेंट एंड्रोसियम गाइनोसियम देन bisexual। और मोनोसिस प्लांट मेज हैव बोथ टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लोर, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ए सी और डी करेक्ट हैं। तो आंसर इज फोर। नेक्स्ट 110, इन ए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ जियामेज रूट। तो ये मोनोकोट रूट है, तो रूट के अंदर एक्सार्क जाइलम होता है, और एक्सार्क जाइलम होता है तो प्रोटोजाइलम लाइज ऑन पेरिफ्री एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड सेंटर इन एक्सार्क जाइलम। ऑप्शन फर्स्ट, बोथ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम वेसल आर प्रेजेंट टुवर्ड पेरिफ्री, रोंग। बोथ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम वेसल आर प्रेजेंट टुवर्ड सेंटर, रोंग। द प्रोटोजाइलम वेसल आर प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर, मेटाजाइलम वेसल आर प्रेजेंट टुवर्ड द पेरिफ्री, रोंग। बट द प्रोटोजाइलम वेसल आर प्रेजेंट टुवर्ड द पेरिफ्री एंड
मेटाजाइलम टुवर्ड सेंटर, तो करेक्ट आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर लिविंग यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, तो सीव ट्यूब मल्टी सेलर है, लिविंग है बट मल्टी सेलर है, वेसल डेड है, तो ये दोनों नहीं हो सकते. वेसल एलिमेंट डेड है, नहीं हो सकते. कंपेनियन सेल लिविंग यूनिसेलर है, तो 1. बास्ट फाइबर नहीं है. एल्यूमिनियम सेल यूनिसेलर और लिविंग है, 2. और सीव सेल 3. ट्रैकेड डेड है और रूट हेयर यूनिसेलर, तो 4. तो यहां पर आपका आंसर होगा 3rd 4. तो करेक्ट आंसर 3rd. नेक्स्ट 112, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन इन वुडी डाइकोटिलेडन प्लांट, तो देखो जनरली प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन होता है तो प्राइमरी परमानेंट फॉर्म होता है, प्राइमरी परमानेंट में डी डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप होता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम में रीडिफरेंशिएशन से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. तो वैस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम और सेकेंडरी मेडुलरी रिज, और कोर कैम्बियम से फेलोजन और फेलोड्रम. तो यहां पर आंसर 3rd है, सेकेंडरी कोर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम आर द एग्जाम्पल ऑफ रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू, सो आंसर इज 3rd. नेक्स्ट 113, यूनिवर्सल सैप कंडक्टिंग एलिमेंट, तो जनरली देखो ऑल ट्रेकियोफाइट प्लांट्स में, सभी ट्रेकियोफाइट प्लांट जो वेस्कुलर टिश्यूज रखते हैं टेरिडो से लेकर एनजियो तक, ट्रेकेड सब में प्रेजेंट है, टेरिडो जिम्नो और एनजियो, लेकिन वेसल टेरिडो में नहीं है और कंपेनियन सेल जिम्नो में भी नहीं है, क्लियर, और सीव सेल एनजियो में नहीं है, तो यहां आंसर होगा 2nd. 114, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी एंड सेलेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली, तो यहां पर जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, ए ऑल डाइकोट प्लांट सो सेकेंडरी ग्रोथ, रॉन्ग हो जाएगा कि ऑलमोस्ट सेकेंड ग्रोथ शो करते हैं, ऑल डाइकोट सेकेंड ग्रोथ शो नहीं करते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम इन डाइकोट रूट इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजन, तो ये करेक्ट है, कोर कैम्बियम रूट में जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजन होता है, कोर कैम्बियम रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा सेलुलर, ये भी करेक्ट है, तो बी और सी यहां पर करेक्ट है, ऑल लेटरल मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम, तो रॉन्ग हो गया, लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं जनरली, तो यहां पर आपका आंसर होगा 2nd, स्टेटमेंट बी एंड सी. नेक्स्ट 115, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर रिलेटेड विद रेसिमोज इन्फ्लोरेंस, तो जनरली एंजियोस्पर्म प्लांट में मैन 2 टाइप के इन्फ्लोरेंस होते हैं, रेसिमोज और साइमोज. अब रेसिमोज जिसमें इनडिटर्मिनेट इनडेफिनेट, मतलब फ्लोरल एक्सिस अनलिमिटेड ग्रोथ करे और फ्लोर के रूप में टर्मिनेट नहीं हो, और साइमोज जिसमें टर्मिनेट हो जाए, तो यहां पर देखो कि कैटकिन है रेसिमोज का, बट हाइपेंथोडियम स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस है, टिपिकल रेसिम एंड कोरियम, तो ये रेसिमोज रिलेटेड, कैपिटुलम अम्बेल ऑल्सो रिलेट टू रेसिमोज, बट साइथियम नॉट रिलेटेड, सो हियर बी एंड सी, तो करेक्ट ऑप्शन इज 2nd. नेक्स्ट 116, क्रॉस फॉर्मो कोरोला इज फाउंड इन, तो क्रूसी फॉर्म पोजिशन जो होती है, 4 पेटल इन क्रॉस फॉर्म, ब्रेसिकेसी एंड क्रूसीफेरी फैमिली में होती है, तो करेक्ट आंसर इज 3rd. नेक्स्ट 117, इन ओवेरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन क्रशन लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज, तो ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, ओव्यूल बोर्न ऑन प्लेसेंटा, तो जो क्रशन लाइक स्ट्रक्चर होती है दिस इज प्लेसेंटा, तो आंसर इज 3rd. नेक्स्ट 118, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मिंट अकर बाई, जनरली मिंट प्लांट के अंदर, ये सीबीएसई पेपर 2009 का क्वेश्चन है, मिंट प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड सब एरियल अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है, सकर का एग्जाम्पल है मिंट प्लांट, तो आंसर इज 1st. नेक्स्ट 119 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द इन्फ्लोरेंस फाउंड इन मस्टर्ड फैमिली, तो जनरली मस्टर्ड फैमिली में रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस प्रेजेंट होता है. अब यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, मैन एक्सिस ग्रो कंटिन्यूसली, करेक्ट है रेसिमोज के लिए, ओपनिंग ऑफ फ्लोवर इज सेंट्रीपिटल, करेक्ट है, लार्जेस्ट फ्लोवर इज टर्मिनल और सेंट्रल, रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो ओल्ड फ्लोवर होते हैं वो बेस भी होते हैं, और यंग फ्लोवर, यंग फ्लोरल बड जो होती है वो
टर्मिनल पे होते हैं। तो थर्ड इनकरेक्ट हो गया, फ्लोर डेवलप इन एक्रोपिटल, ये करेक्ट है। तो यहां पर आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट 120 इन डायकोट स्टेम कोर कैम्बियम फर्स्ट डेराइव्ड फ्रॉम, तो डायकोट स्टेम में कोर कैम्बियम किससे फॉर्म होता है, आउटर कॉर्टेक्स इट मीन हाइपोडर्मिस में डी डिफरेंशिएशन के थ्रू कोर कैम्बियम डेवलप होता है जो एक्स्ट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट 121 वेस्कुलर टिश्यू हैविंग एबुडेंट वेसल एंड फाइबर, तो जनरली आप देखते हो कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है बल्क पार्ट प्लांट का फॉर्म हो जाता है तो सेकेंडरी जाइलम मोर देन 8 to 10 times सेकेंडरी फ्लोएम, तो सेकेंडरी जाइलम वुड है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वेसल और फाइबर प्रेजेंट होते हैं, तो सेकेंडरी जाइलम आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट 122 बोन सेप्ड स्क्लेरल काइमेटा सेल्स फाउंड इन हाइपोडर्मल लेयर ऑफ सम सीड और फ्रूट और आर्कोल्ड, तो जनरली कुछ फ्रूट के पल्प में जैसे पियर एंड गोवा और नट फ्रूट्स के अंदर आप समझते हैं कि हाइपोडर्मल लेयर्स में स्क्लेरिड प्रेजेंट होती है और अगर वो बोन सैप हो तो उसको अपन टाइप ऑफ स्क्लेरिड कहते हैं ऑस्टियोस्क्लेरिड, तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट 123 एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज डेराइव्ड फ्रॉम, तो जनरली एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर टिश्यू सिस्टम है आउटर मोस्ट, तो डेराइव्ड फ्रॉम प्रोटोडर्म सिंगल लेयर ऑफ मेरिस्टेम, देन ग्राउंड टिश्यू डेराइव्ड फ्रॉम ग्राउंड मेरिस्टेम एंड वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बोन डेराइव्ड फ्रॉम प्रोकेम्बियम, तो हियर आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 बंडल सीथ एक्सटेंशन इन डायकोट लीप एंड इन मोनोकोट लीव्स आर, तो डायकोट लीप में जो बंडल सीथ एक्सटेंशन होता है पेरेन्काइमेटस होता है और मोनोकोट लीप में स्क्लेरेन्काइमेटस, सो आंसर इज सेकेंड पेरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस। नेक्स्ट 125 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप ऑलवेज डिवाइड एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन, तो कौन एंटीक्लाइनल आउटर मेरिस्टेम लेयर जनरली ट्यूनिका जो एंटीक्लाइनल या प्रोटोड्रम जो एंटीक्लाइनल डिवीजन शो करती हैं, तो हियर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट 126 व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन डायकोट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ जो स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें वेस्कुलर कैम्बियम से इनर साइड सेकेंडरी जाइलम बनता है और आउटर साइड सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम मोर देन 8 to 10 times सेकेंडरी फ्लोएम, तो जैसे ही इनसाइड टिश्यू जाते हैं तो प्राइमरी जाइलम सेंटर में और द ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम फॉर्म करते हैं हर्टवुड, तो प्राइमरी जाइलम रिमेन्स इन सेंटर बट प्राइमरी फ्लोएम पेरिफ्री में क्रस्ट हो जाता है, तो यहां पर आपका आंसर होगा इट इज रिटेन इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस, आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर एज और फॉर फोटोस फॉर फंक्शन, तो जनरली अपन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में लीव्स आपकी बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ होती है और वहां लीफलेट बहुत स्मॉल और शॉर्ट लीव्ड होते हैं, तो जनरली वहां पर पिटियोल एक्सपेंड होकर फोटोसिंथेटिक हो जाता है उसको बोलते हैं फिलोड, तो आंसर इज फर्स्ट इन ऑस्ट्रेलियन अकेसिया फिलोड एंड फोटोसिंथेसिस, तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 प्राइमरी डायकोट स्टेम कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम मोनोकोट स्टेम, तो डायकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर में किस बेसिस पे डिफरेंस होता है, फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ हाइपोडर्मिस दोनों में ही प्रेजेंट होती है तो डिफरेंट नहीं हुआ, बट टाइप ऑफ हाइपोडर्मिस ये डिफरेंस करेगी क्योंकि टाइप ऑफ हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस इन डायकोट और स्क्लेरेन्काइमेटस इन मोनोकोट, तो फर्स्ट डिफरेंस, देन टाइप ऑफ जाइलम बोथ ऑफ एंडार्क जाइलम तो डिफरेंस नहीं करेगा, टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल डिफरेंट करेंगे क्योंकि कौन जॉइंट कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल फाउंड इन डायकोट स्टेम बट इन मोनोकोट कौन जॉइंट कोलेटरल क्लोज, तो हियर आंसर इज फोर बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 व्हाट इंडिकेट ए टू डी इन द फिगर इन गिवन बिलो, तो हियर ए रिप्रेजेंट मैच्यूरेशन रीजन ऑफ रूट, हियर बी रिप्रेजेंट मेरिस्मेटिक रीजन, सी रिप्रेजेंट रूट कैप, डी रिप्रेजेंट
root hair. So answer is second, A, reason of maturation, B, reason of meristematic activity, C, root cap, D, root hair. So answer is second. Next, question number 130, identify A to D in the figure given below. So here A represent stipule, B represent petiole, C leaf base and D leaf blade and lamina. So answer is first, A stipule, B petiole, C leaf base and D lamina. Next, question number 130, identify A to D part of flower. So generally फ्लोर में फोर फ्लोर रूल होते हैं. यहां पर ए रिप्रेजेंट कैलिक्स यूनिट सेपल, बी कोरोला यूनिट पेटल, सी एंड्रोसियम यूनिट स्टेमन, सी डी गाइनोसियम यूनिट कार्पल. तो ए कैलिक्स, बी कोरोला, सी एंड्रोसियम, डी गाइनोसियम. सो आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, परमानेंट टिश्यू विच हैव ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कोल्ड. तो जनरली परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स. अगर एक ही टाइप के सेल से कंपोज होते हैं तो सिंपल परमानेंट. सिंपल परमानेंट थ्री टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. तो हियर आंसर इज सेकंड, सिंपल टिश्यू. नेक्स्ट 133, सेलेक्ट डाई फ्रॉम द फॉलोइंग. हियर सेसबेनिया यूज एज फोडर, हियर ट्राइफोलियम यूज एज फोडर और मुलेठी इज ए मेडिकल प्लांट. बट इंडिगो, इंडिगो फेरा रिलेटेड टू फाबेसी फैमिली इज ऑप्टेन ए डाई फ्रॉम इंडिगो फेरा. सो आंसर इज फोर. नेक्स्ट 134, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट. जनरली जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो प्रेजेंट होता है सूट एपिकल, सूट अपेक्स पे और रूट अपेक्स पे. सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल में सा एग्जाम्पल ऑफ एपिकल मेरिस्टेम. सो हियर आंसर इज सेकेंड, एट रूट एंड सूट अपेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, विच सिंपल टिश्यू इज कैरेक्टराइज बाय पिट्स. तो जनरली देखो जहां सेकेंडरी लिग्निफाइड वॉल होता है, सेकेंडरी वॉल, वहां पिट प्रेजेंट होते हैं. अब सिंपल प्रमाण पैरेन्काइमा में पिट नहीं होते, जनरली कोलेन्काइमा में पिट नहीं होते और प्लाज्मोडेस्मा में भी प्रेजेंट. बट स्क्लेरेन्काइमा डेड, स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू है और लिग्निफाइड थिक वॉल है तो वहां पिट प्रेजेंट होते हैं. तो आंसर इज फोर, स्क्लेरेन्काइमा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ ऑल एक्सेप्ट. तो फ्लोएम के अंदर जो कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं, सीट्यूब एलिमेंट है और कंपेनियन सेल है. तो सीट्यूब उसका कंपोनेंट है, कंपेनियन सेल उसका कंपोनेंट है, फ्लोएम पेरेन्काइमा कंपोनेंट है, बट वेसल इज ए कंपोनेंट ऑफ जाइलम. सो आंसर इज फोर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टील इन डाइकोट रूट. देखो डाइकोट रूट स्टेम स्टील का पार्ट होता है इनसाइड पेरिसाइकिल. तो पेरिसाइकिल पित्त मेडुलरेज या वेस्कुलर बंडल. तो हियर पेरिसाइकिल इज पार्ट ऑफ स्टील, वेस्कुलर बंडल ऑल्सो, पित्त ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टील, बट एपिडर्मिस नॉट पार्ट ऑफ स्टील. सो आंसर इज फोर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम ऑल अकर एक्सेप्ट. डायकोट स्टेम में दो टाइप की सेकंड ग्रोथ होती है, स्टिलर रीजन में और एक्स्ट्रा स्टिलर में. स्टिलर में वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म करता है सेकेंडरी जाइलम इनसाइड और सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी मेडुलरेज. और एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन में कोर कैम्बियम फॉर्म करता है फेलोड्रम इनसाइड और फेलो फेलम आउटसाइड. तो फेलोड्रम, फेलोजन और फेलम, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रीडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू. तो यहां पर देखो कि डायकोट स्टेम में सेकेंड ग्रोथ में फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, यस. फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, यस. फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फ्लोएम, रॉन्ग. और फ्लोएम क्रस्ट भी हो जाता है प्राइमरी फ्लोएम. फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेडल रेज, करेक्ट. तो आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द टिश्यू अरेंजमेंट इन रूट. तो जनरली अगर अपन रूट में आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पित्त, पित्रेज ऑफ वेस्कुलर बंडल. तो जनरली यहां पर कोटेक्स, पेरिसाइकिल, बट इन कैस्परी स्ट्रिप रॉन्ग दे रखा है. इस सेकंड ऑप्शन में पेरिसाइकिल, कोटेक्स, कैस्परी स्ट्रिप, पेरिसाइकिल, कोटेक्स. तो पेरिसाइकिल इनसाइड कोटेक्स में रॉन्ग दे रखा है. थर्ड ऑप्शन में कोटेक्स, देन कैस्परी स्ट्रिप, देन पेरिसाइकिल और वेस्कुलर बंडल, ये करेक्ट है. तो आंसर यहां पर थर्ड है. नेक्स्ट 140, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन.
रूट कैप्स आर प्रेजेंट इन प्रॉप रूट, करेक्ट है। प्रॉप रूट जनरली एडवेंटिस का टाइप है बट रूट कैप प्रेजेंट होती है। न्यूमेटोफोर हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, करेक्ट है। एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर इज अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम, करेक्ट है। हाइड्रोफाइट्स यूजुअली पोजेस ए वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, तो हाइड्रोफाइट में लेस डेवलप रूट सिस्टम होता है, तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आंसर आपका होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट 141, स्पाइन प्रेजेंट ऑन द एरियल्स ऑफ ओपेंसिया रिप्रेजेंट, जनरली ओपेंसिया में ग्रीन फ्लैटेंड स्टेम होता है जो फिलोक्लेड है, और फिलोक्लेड मॉडिफाई फॉर फोटोसिंथेसिस, वहां पर लीप मॉडिफाइड इनटू स्पाइन टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन, तो यहां पर आंसर होगा लीव्स, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, तो कॉलम फर्स्ट में ए ऑप्शन पेडिसेल, स्टार्क ऑफ फ्लोवर, पेडंकल इनफ्लोरेंस एक्सिस, ब्रैकेट रिड्यूस लीफ, एंड पिटियोल स्टार्क ऑफ द लीफ। सो आंसर इज फर्स्ट, ए सेकेंड, बी फोर, सी फर्स्ट, डी थर्ड, आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, इन वेस्कुलर बंडल ए स्ट्रिप ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, तो जनरली कौन जॉइंट वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम और जाइलम टुगेदर सेम रेडियस, देन कौन जॉइंट कोलेटर आउटर फ्लोएम, देन कौन जॉइंट कोलेटर मे बी ओपन और क्लोज, इफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम देन कौन जॉइंट कोलेटर ओपन प्रेजेंट डाइकोट स्टेम, सो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, हाउ मेनी सूट एपिकल मेरिस्टेम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन ए ट्विग ऑफ ए प्लांट पोजेसिंग फोर ब्रांच एंड 26 लीव्स, तो जनरली अपन कहते हैं कि ईच ब्रांच पर भी एपिकल मेरिस्टेम होगा और मेन स्टेम पे होगा ही, तो जितनी ब्रांच होती है एक एक्स्ट्रा अपन ऐड करते हैं मेन स्टेम, तो यहाँ फोर ब्रांच और वन मेन स्टेम, सो फाइव एपिकल मेरिस्टेम, सो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन, कि इनमें से मेडिसिन का सोर्स क्या है, पिटूनिया एक मेडिकल प्लांट है, सोलेंस से रिलेटेड है, एस्परगस एक वेजिटेबल है, लिली से रिलेटेड है, ग्लोरियसा ऑल्सो मेडिकल ऑल्सो ऑर्नामेंटल प्लांट, लिली से रिलेटेड है, बट एलोय जो मेडिकल प्लांट है, तो आंसर यहां पर होगा फोर। नेक्स्ट 146, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन दिस फिगर, तो हियर ए रिप्रेजेंट कोटिलियोडोन कोटिलियोडोन और बी रिप्रेजेंट प्लिम्यूल एंड सी रिप्रेजेंट रेडिकल, सो आंसर इज थर्ड, ए कोटिलियोडोन, बी प्लिम्यूल और सी रेडिकल। नेक्स्ट 147, बार्क इंक्लूड, जनरली जब एक्स्ट्रा सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो अपन वेस्कुलर कैम्बियम से आउटसाइड जितने भी टिश्यूज होते हैं बार्क में इंक्लूड करते हैं, यानी सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिड्रम, और पेरिड्रम में फेलोड्रम, फेलोजन और फेलम होता है, तो यहां पर सेकेंडरी फ्लोएम भी लीविंग है और जो फेलोजन है सेकेंडरी मेरिस्टेम है, तो वो इंक्लूड होते हैं बार्क में, तो रीडिफ्रेंशिएटेड डेड एज वेल एज लिविंग टिश्यू, करेक्ट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू ओनली, रॉन्ग। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ओनली, तो रॉन्ग। लिविंग एंड डेड परमानेंट टिश्यू ओनली, क्योंकि मेरिस्टेम भी प्रेजेंट होता है, तो रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस ऑफ सेकेंड ग्रोथ इन डाइकोट रूट, डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के रेफरेंस में अपन यहां करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे, तो देखो फेलोजन इज कंप्लीटली कोर्टिकल इन ओरिजन, कंप्लीटली पेरिसाइकल कुछ पार्ट होता है, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन मैच्योर पार्ट, तो सेकेंडरी ग्रोथ बाद में रेडियल जो वेस्कुलर बंडल हो प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजन, करेक्ट, और हाइपोडर्मिस फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ लेटरल मेरिस्टेम इन स्टिलर रीजन, तो ये रॉन्ग हो गया, तो आंसर यहां थर्ड है, 148 का आंसर थर्ड। नेक्स्ट 149, मार्क करेक्ट ऑप्शन इन रेफरेंस ऑफ फेलोजन इन डाइकोट स्टेम, तो फेलोजन जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है
डी डिफ्रेंशिएशन पेरिसाइकिल से फॉर्म हुआ है रूट में, सॉरी डायकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस के डी डिफ्रेंस से फॉर्म हुआ है, तो यहां पर मेरिस्मेटिक ऑन आउटर साइड ओनली रॉन्ग है, मेड ऑफ थिक वॉल्ड रेक्टेंगल सेल, थिक वॉल नहीं हो सकता, इट इज ए कपल लेयर ऑफ थिक, तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल जो थिन वॉल सेल होती है तो मल्टी लेयर आपका होता है कोर कैम्बियम मल्टी लेयर, और ये कंडीशन होती है दोनों साइड मेरिस्टमेटिक सेल होती है, बोथ साइड सेल्स कट ऑफ होती है, तो इट इज ए कपल ऑफ लेयर थिक, तो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट 150 अर्ली वुड, अर्ली वुड स्प्रिंग वुड को रिप्रेजेंट करता है, और स्प्रिंग सीजन में जो वुड फॉर्म होता है वहां वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है स्प्रिंग सीजन में, तो जनरली यहां पर इट इज डार्कर विद हाई डेंसिटी रॉन्ग हो जाएगा, पोजेस वेसल विद वाइडर कैविटी एंड हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी नहीं होगी रॉन्ग हो जाएगा, पोजेस नैरो वेसल नैरोनिंग ब्रॉड होगी, इज लाइट कलर्ड विथ लो डेंसिटी, ये करेक्ट होगा, तो आंसर इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज, तो जनरली डायकोट स्टेम में जब स्टिलर सेकेंड ग्रोथ होती है तो वीबी के बीच जो मेडुलरी रेज होती है प्राइमरी मेडुलरी रेज उनमें डी डिफ्रेंशन के थ्रू फॉर्म होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक है ओरिजिन में, तो आप जानते हैं कि ऑन्टोजेनेटिकली एंड फंक्शनली सेकेंडरी मेरिस्टेम करेक्ट, डेवलप फ्रॉम मेडुलरी सेल्स करेक्ट, लेटरल मेरिस्टेम इन एक्स्ट्रा स्टिलर रॉन्ग, ये स्टिलर रीजन में है, तो करेक्ट आंसर इज फोर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 बुलीफॉर्म सेल्स, तो जनरली देखो बुलीफॉर्म सेल्स मोनोकोट लीफ की प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, और बुलीफॉर्म सेल्स अलोंग वीन लोअर एपिडर्मिस एडेक्सियल सरफेस की ओर होती हैं, बुलीफॉर्म सेल्स तो दे आर एम्प्टी कलरलेस एडेक्सियल सेल्स अलोंग द वीन, तो करेक्ट आंसर इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153 स्क्लेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस एंड बंडल सीथ आर प्रेजेंट इन स्टेम विच ऑल्सो, तो जनरली अपन कहते हैं कि भी स्क्लेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस मोनोकोट स्टेम में है, और मोनोकोट स्टेम लार्ज एंड वेल डेवलपित रॉन्ग हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेनिंग कैविटी विथ इन द वेस्कुलर बंडल करेक्ट है, मोनोकोट स्टेम के वेस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती है लाइसोसाइजोनियस ओरिजिन में होती है, लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग रॉन्ग है, और कौन जॉइंट ओपन, कौन जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, कौन जॉइंट क्लोज होते हैं, कौन जॉइंट कोलेटरल क्लोज, सो हियर आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट 154 स्टार्च सीथ ब्लैंक एंड कंटेनिंग, तो जनरली अपन कहते हैं कि जो डायकोट स्टेम में ही ग्राउंड टिश्यू डिफरेंस, मोनोकोट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू डिफरेंस नहीं होता है, अब डायकोट स्टेम में जो एंडोडर्मिस ऑल्सो नोन एज स्टार्च सीथ, क्योंकि इसमें एबुडेंट अमाउंट ऑफ स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, तो यहां पर आंसर फोर होगा, स्टेम एंडोडर्मिस इन डायकोट और बी स्टार्च, सो आंसर इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 एनाटॉमिकली डायकोट रूट इज डिफरेंट फ्रॉम मोनोकोट रूट इन, जनरली जो रूट की प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो डायकोट रूट मोनोकोट से डिफरेंट कैसे है, तो यहां पर ऑप्शन एब्सेंस ऑफ कॉन्स्पिकस पिथ एंड पोलियार कंडीशन, ये करेक्ट है, क्योंकि मोनोकोट में पोलियार कंडीशन है, डायकोट में डायआर्क टू टेट्रा के हेक्साक तक होती है, बट मोर देन सिक्स वेस्कुलर बंडल इन ओनली मोनोकोट, तो पोलियार कंडीशन और वेल डेवलप पिथ ओनली मोनोकोट में होती है, डायकोट में लेस डेवलप पिथ और डायआर टेट्रा कंडीशन होती है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 एंडोडर्मल सेल्स विथ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल ऑन देयर टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल कैन बी ऑब्जर्व इन, तो जनरली अपन कहते हैं कि जो एंडोडर्मिस होती है कैस्पर स्ट्रिप उनकी टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, और ये रूट में बोथ रूट में डायकोट मोनोकोट दोनों रूट में प्रेजेंट होती है कैस्पर स्ट्रिप्स, तो यहां पर आंसर होगा डायकोट एंड मोनोकोट रूट फोर्थ, तो आंसर यहां पर थ्री होगा फोर्थ ओनली। नेक्स्ट 157 इन डायकोट स्टेम विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जनरली अपन देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डायकोट स्टेम तो वहां तीन टिश्यू सिस्टम होंगे ईटीएस जीटीएस और वीटीएस, तो डायकोट स्टेम का जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसमें तीनों टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे पेरेन्काइमा भी कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा,
हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम की, कोलेनकाइमा की, देन इनसाइड पेरिसाइकल जो अबव फ्लोएम होगा पेचेज फॉर्म में वो स्क्लेरेनकाइमेटस, और जनरली पेरेनकाइमा प्रेजेंट होगा। तो यहां पर आपका आंसर होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट 158, फ्लोएम कंपोनेंट लाइक फ्लोएम पेरेनकाइमा एंड कंपेनियन सेल आर एब्सेंट। तो जनरली फ्लोएम पेरेनकाइमा तो मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होता है और कंपेनियन सेल ओनली एंड ओनली एनजीओ में प्रेजेंट होती है, यूनिवर्सली ऑल एनजीओ में प्रेजेंट होती है कंपेनियन सेल, बट जिम्नो में क्या होती है एब्सेंट। तो यहां रेस्पेक्टिवली मोनोकोट एंड जिम्नोस्पम रेस्पेक्टिवली यानी सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा 158 में। नेक्स्ट 159, पेरीवास्कुलर फाइबर आर। तो जनरली अपन कहते हैं कि भी पेरीवास्कुलर फाइबर जो आउटसाइड ऑफ फ्लोएम, मतलब फ्लोएम फाइबर तो बास्ट फाइबर होते हैं और आउटसाइड फ्लोएम पेरीसाइकिल, पेरीवास्कुलर फाइबर होते हैं पेरीसाइकिल फाइबर्स, तो आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट 160, सिंपल परमानेंट टिश्यू एज फंडामेंटल टिश्यू इज कंसर्न्ड विथ। तो जनरली जो फंडामेंटल टिश्यू है पेरेनकाइमा है, ये यूनिवर्सल परमानेंट टिश्यू भी है और पेरेनकाइमा 3S फंक्शन करता है, लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, सिंथेसिस इट मीन फोटोसिंथेसिस, सिक्रेशन, सो 3S फंक्शन, सो आंसर इज 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 161, कोलेनकाइमा फाउंड। तो जनरली देखो कोलेनकाइमा मोनोकोट में कभी नहीं पाया जाता है, मतलब मोनोकोट में कोलेनकाइमा कभी नहीं होता है, डाइकोट में होता है, तो डाइकोट में भी एरियल पार्ट में होता है, अंडरग्राउंड पार्ट में नहीं होता है, और डाइकोट में भी जो यंग पार्ट होते हैं, यंग स्टेम और पिटियोल और लेमिना, ली बेस में नहीं होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है इन हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकोट नहीं प्रेजेंट हो सकता, इन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ डाइकोट नहीं प्रेजेंट है, और इन लीफ बेस ऑफ डोर्सी वेंट्रल लीव्स, तो बेस में नहीं पेटियोल में होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो नॉट फाउंड इन एनी अबव पार्ट, आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, ग्रिटनेस इन सम फ्रूट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जनरली अपन कहते हैं कि जो अमरूद और नाशपति के गुद्दे में जो करकराहट होती है वो स्क्लेरिड के कारण होती है, स्क्लेरेनकाइमा के कारण होती है, तो वो स्क्लेरिड टाइप ऑफ स्क्लेरिड है, तो यहां पर आंसर क्या है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, ट्रैकेड डिफर फ्रॉम वेसल इन हैविंग। जनरली देखो कि ट्रैकेड और वेसल बोथ आर द कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम, लेकिन ट्रैकेड प्रिमिटिव है और वेसल एडवांस है, ट्रैकेड यूनिसेलुलर है, वेसल मल्टीसेलुलर है, ट्रैकेड में टैपरिंग एंड होते हैं, ट्रैकेड में टैपरिंग एंड होते हैं टैपरिंग एंड, और वेसल में टैपरिंग एंड नहीं होता, परफोरेशन प्लेट होती है यहाँ पर, परफोरेशन एंड वॉल परफोरेटेड होती है, एंड वॉल परफोरेटेड, बट वेसल में टैपरिंग एंड होती है तो एंड वॉल नॉन परफोरेटेड होती है, तो हियर आंसर इज सेकेंड, नो परफोरेशन एट एंड वॉल, 163। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर कोलेनकाइमा, कि कोलेनकाइमा के लिए इनकरेक्ट क्या है। तो इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट करेक्ट है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू करेक्ट है, डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन इन सेल वॉल करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूट्स हाइपोडर्मिस इन डाइकोट रूट, डाइकोट रूट में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट ही नहीं होती है, तो बल्कि कोलेनकाइमा डाइकोट स्टेम में होता है हाइपोडर्मिस में, तो ये आपका रॉन्ग है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, थिन वॉल्ड वैक्यूलेटेड लिविंग सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट इन। तो जनरली एपिडर्मिस थिन वॉल्ड पेरेनकाइमा है, बट ICS नॉट प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस में भी ICS प्रेजेंट नहीं होते हैं, जनरली इंटरसेलुलर स्पेस कोटेक्स और पिथ में प्रेजेंट होते हैं, बट एंडोडर्मिस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा कि ऑल एक्सेप्ट, सॉरी यहाँ पर आंसर होगा थर्ड ओनली, इन आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट प्राइमरी मेरिस्टेम, तो प्राइमरी मेरिस्टेम अंडरगो रीडिफ्रेंशिएशन टू फॉर्म सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, रॉन्ग, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम डिफ्रेंशिएशन में जाते हैं तो प्राइमरी परमानेंट फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म प्राइमरी प्लांट बॉडी करेक्ट, आर एपिकल एंड इंटरकैलरी इन पोजिशन करेक्ट, सो आंसर इज 4। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 167 एनाटॉमी कंसर्न विथ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी होता है एनाटॉमी में, और इट ऑल्सो कंसर्न विथ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरमेंट. सो हिट हियर आंसर इज 4, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला इज सोन बाई विच ग्रुप ऑफ प्लांट, एक्टिनोमर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल, के 5 गैमो सिपेलस, एपिपिटेलस एंड बाइकार्पलरी सिनकार्पस. तो जनरली इट इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी फैमिली, और हियर द ग्रुप ऑफ प्लांट विच 100% रिलेटेड टू सोलेनेसी, एट्रोपा, पिटोनिया एंड दथुरा. तो आंसर इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, हाउ मेनी फीचर्स आर कॉमन फॉर पोटेटो एंड एलियम सिपा. तो पोटेटो इज डाइकोट रिलेटेड टू सोलेनेसी फैमिली, एलियम सिपा इज मोनोकोट रिलेटेड टू लिलियसी फैमिली. अब फर्स्ट ऑप्शन इज टाइप ऑफ रूट. तो टाइप ऑफ रूट यहां पर सिमिलर नहीं है, कॉमन नहीं है, क्योंकि पोटेटो डाइकोट है, एलियम सिपा मोनोकोट है. प्रेजेंस ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम कॉमन हो सकता है, पोटेटो ट्यूबर और एलियम सिपा बल्ब, बोथ आर मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेम फॉर फूड स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. बट सिमेट्री ऑफ फ्लोर, बोथ हैव एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर. पोजिशन ऑफ ओवरी, बोथ हैव सुपीरियर ओवरी. हाइपोगाइनस, बोथ हैव हाइपोगाइनस फ्लोर. बोथ इन बोथ एग्जाइल प्लेसेंटेशन, बट नंबर ऑफ लोक्यूल इन ओवेरी नॉट सेम. इट हैव बाइकार्पलरी बाइलोक्युलर, ट्राइकार्पलरी ट्राइलोक्युलर. सो हियर आंसर इज 4, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेवन. नेक्स्ट, मेज सीड डज नॉट सो. मेज सीड मोनोकोट सीड है, स्कूटलम प्रेजेंट होता है, सिंगल कोटलेडोन. कोलियोराइजा इज रेडिकल सीथ प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनस सीड कोट, फ्री फॉर्म पेरिकार्प. ये नहीं है, क्योंकि वहां पर ड्राई सीड है, तो पेरिकार्प फ्यूज विथ सीड कोट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ट्रिप्लोइड फूड स्टोरेज, तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है वहां पर, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, फ्रूट ऑफ टोमेटो. तो टोमेटो जनरली डेवलप फ्रॉम बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, और ट्री फ्रूट है, तो यहां पर डेवलप फ्रॉम बाइकार्प इन्फीरियर, रॉन्ग हो गया. कंपोजिट रॉन्ग हो गया. इज सिंपल एज वेल एज फ्लैसी, क्योंकि टाइप ऑफ बेरी है, टाइप ऑफ बेरी है, तो इज सिंपल एज एज फ्लैसी करेक्ट है. और डेवलप फ्रॉम एपोकार्पस रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट आंसर इज 3. नेक्स्ट 172, कंसिडर द फीचर्स गिवन बिलो. आउटर लेयर ऑफ पेरिकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी, मल्टी सीडेड, वन सीडेड, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पल सुपीरियर ओवरी. इनर लेयर ऑफ पेरिकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी. सेलेक्ट करेक्ट फीचर फॉर ड्रूप फ्रूट ऑफ मैंगो. तो मैंगो के लिए यहां पर वन सीडेड, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पल सुपीरियर, इनर लेयर ऑफ पेरिकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी. इट मीन्स सी डी ई. एंड पोड ऑफ पी, आउटर लेयर ऑफ पेरिकार्प इज हार्ड स्टोन. नो, मल्टी सीडेड फ्रूट आपका हो जाएगा जनरली, और डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी. तो जनरली यहां पर ऑप्शन होगा सी डी ई एंड बी डी. करेक्ट ऑप्शन इज 4. नेक्स्ट 173, सेलेक्ट करेक्ट फीचर फॉर मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन. सेलेक्ट करेक्ट फीचर फॉर मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन. तो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन होता है बेसल प्लेसेंटेशन, और बेसल प्लेसेंटेशन में यूनिलोकुलर ओवेरी होती है, और ओवेरी विथ सिंगल ओव्यूल, ओवेरी विथ सिंगल ओव्यूल, और जनरली वो एस्ट्रेसी फैमिली में. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो यहां पर अपन आंसर करेंगे 3, बी सी ई. बी सी ई करेक्ट फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पोलन सैक इन ए मस्टर्ड प्लांट बियरिंग 20 फ्लोर. ईच फ्लोर ऑफ मस्टर्ड, ईच फ्लोर ऑफ मस्टर्ड 6 स्टेमन, देन 20 फ्लोर, 6 × 20 120, ईच एंथर हैव 4 पोलन सैक, देन 120 × 4 480. सो द करेक्ट आंसर इज 1. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 175, इफ द मार्जिन ऑफ पेटल ओवरलैप वन अनदर एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब पेटल का ओवरलैपिंग, पेटल के जो मार्जिन ओवरलैप करें और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वन टू नेक्स्ट सो ऑन, तो ये आपका होता है ट्विस्टेड, और ट्विस्टेड एस्टिवेशन प्रेजेंट इन मालवेसी फैमिली, सो ट्विस्टेड चाइना रोज, करेक्ट आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, फ्लोर हैविंग कोरोला ऑफ डिफरेंट साइज पेटल रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टिवेशन, तो जनरली अपन देखते हैं कि वेक्जिलरी एस्टिवेशन में पोस्टीरियर पेटल इज लार्जेस्ट नोन एज स्टैंडर्ड, टू लेटरल विंग एंड देन टू एंटीरियर स्मॉल कैरिना, कील और कैरिना, सो 1, 2 और 2, सो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज वेक्जिलरी, सो आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177, सेलेक्ट द करेक्ट मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड, तो मोनोडेल्फस स्टेमन रिलेटेड टू चाइना रोज, सिंजेनेसिस कंडीशन फाउंड इन सनफ्लावर, स्टेमिनोड इन साल्विया और एपिपिटेलस कंडीशन इन लीली, सो हियर करेक्ट आंसर इज 3, A 4, B 3, C 2, D 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, फ्लावर विथ ओवरी कंप्लीटली एनक्लोज बाय थैलेमस, सो तो आप जानते हैं कि भी अगर थैलेमस इलोंगेटेड होकर कंप्लीटली क्लोज कर ले ओवरी को तो एपिगाइनस कंडीशन है, इन्फीरियर ओवरी, तो वहाँ सुपीरियर पेटल्स मतलब अदर फ्लोर रूल आर सुपीरियर ओवरी इन्फीरियर, तो सुपीरियर पेटल एज इन सन फ्लोवर, करेक्ट, बट इन सेकेंड ऑप्शन सुपीरियर ओवरी एज इन लेडी फिंगर रॉन्ग हो जाएगा, एपिगाइनस कंडीशन सुपीरियर ओवरी नहीं हो सकती है, इन्फीरियर स्टेमन एज इन कुकुम्बर तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ सुपीरियर स्टेमन होते हैं, और इन्फीरियर ओवरी एज इन पल्म हाफ इन्फीरियर होती है, तो करेक्ट आंसर इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179, बेसिक पीटल अरेंजमेंट ऑफ और सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ फ्लोवर सो इन, तो जनरली जो बेसिक पीटल फ्लोर का बेसिक पीटल अरेंजमेंट होता है वो साइमोज इन्फ्लोरेंस में होता है, और यहां पर साइमोज सोलेनम और डायंथस में होगा, करेक्ट आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, हाउ मेनी प्लांट गिवन बिलो हैव एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर विद सुपीरियर ओवरी, तो जनरली बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस सुपीरियर, और कॉटन में लेडी फिंगर में मालवेसी फैमिली है तो पेंटाकार्पली पेंटालोक्युलर सुपीरियर, बट इन कुकुम्बर गोवावा जनरली हाफ इन्फीरियर और इन्फीरियर, चाइना रोज और लिली सुपीरियर, सो करेक्ट आंसर इज 3. 4 प्लांट हैव सुपीरियर ओवेरी, तो ये बायोकेम डीटीएस जो 3rd डीटीएस था सीएलसी का, प्लांट मोर्फोलॉजी एनाटोमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने प्रोवाइड किया है, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, जो भी स्टूडेंट्स इसको सोल्व करें इस पूरे वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू वो कंप्लीट एनसीईआरटी चैप्टर के गो थ्रू हो सकते हैं और अपने एनसीईआरटी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, और नीट में ये उनके लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है, और सीएलसी हर अपने बायोकेम डीटीएस का जैसे डीटीएस का सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर जो डाल रही है, और यूट्यूब के ऊपर पूरा सॉल्यूशन हमारा अवेलेबल है, और उसमें 100% हर क्वेश्चन की ट्रिक बेस बनाकर पूरा समझा कर इसके सॉल्यूशन को दिया गया है, और थैंक्स फॉर इट.